शुरू थी वहां पे तो तू खत्म होता है। डाका मार के करेगा क्या? मैं शादी इधर आ, शादी करने के लिए ऊपर वाली कुंडी कौन लगाएगा? तू रिश्ता देख के देख, मैं कुंडी नीचे की लगवा दूंगा। अबे बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हारे कैदखाने की बिल्ली थी ना, उसका दूध पी गई, बिल्ली निचोड़ के दूध निकाला इसने अपना। ये बहुत खतरनाक आदमी है, ये तेरे को भी निचोड़ के ना पैसे निकलवा लेगा। इधर देखा हाथ का अपना, ये छोटा काम पूरा करता है, इतने हाथ तो ऑफिस में मक्खी मारने के लिए। कॉमेडी कर, मंचला कहाँ रह गया? मंचला को बोला, हम तो थक गए। थक गए मंचले, 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 अंदर कोई है क्या? नहीं है। वो तेरा सेवन रवे आवार, मस्त सुना लाल कलंदर, सुना सेवन रवे आवार, मस्त सुना लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर। लंगर कब बैठेगा भाई? बहुत अच्छे लंगर कब बैठेगा, तुम्हारे बाप का उरूस हो रहा है यहाँ पे। एक बात सुनो, बाहर बहुत गर्मी है। क्या हम कहाँ गया था? अरे गर्मी के हिसाब से हर आदमी का दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा, अरे हम परचून की दुकान पर गया, हमने जाके बोला बाबा अंडे कैसे दिए, मुर्गी लेकर आ गया, बोल रहा इसी से पूछ लियो। अभी हम मुर्गी से पूछता तो मुर्गा मेरे को थप्पड़ नहीं मारता। फिर क्या हुआ? अरे अमरूद खरीदा हमने, अमरूद काटा है, उसमें से कीड़ा निकला, हमने बोला बाबा इसमें से तो कीड़ा निकला, बोला और क्या, इसमें से पेट्रोल निकलेगा। कसम से बड़ा गजब हो गया है। क्या हुआ? एक आदमी से हमने पूछा बाबा सिविल अस्पताल किधर है, बोला पता नहीं यार, ट्रक के नीचे आ जाओ खुद ही पहुंचा देंगे। हर जगह गली डोरा। अभी हम पान की दुकान पे खड़ा था, अच्छा, एक आदमी भागता हुआ आया, हमारे को पूछ रहे बाबा एक बात बताओ, तुम पैदा हुआ है किसी ने तजर्बा किया है? हमारे को भी गुस्सा आ गया, हमने बोला बाबा तजर्बा क्या, तो वो क्या बोल रहा है? मुबारक हो, वो साइंसदान हम ही है। वो बोल रहा है तुम इसको क्यों मार रहे हो? सरदार ने कहा है इसे पीस पड़े। एक मिनट, एक बात बताओ, सारी दुनिया जवान हो रही है, तुम्हारे को मौत पड़ी है, तुम जवान क्यों नहीं हो रहा है? यार तू क्यों मार रहा है मैं यार? ये कोई मामूली आदमी नहीं है, फिर बहुत अमीर आदमी है ये। अच्छा हाँ, 2020 मैच हो रहा है ना, हाँ? उसमें जो लड़कियां नाचती हैं, हाँ? उनका भाई है ये, और वो भी कोई मामूली आदमी नहीं है। अच्छा, इसके बाप की बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। अच्छा, अभी बंद हो गई। क्यों? पहला लड्डू ही खराब हो गया। मेरा बहुत मारे लो। क्यों मार रहे हो तुम इसको? सरदार ने कहा 20 कोड़े और 10 लाते मारो। 20 कोड़े 10 लाते? हाँ। मेरा बच्चा 20 कोड़े मार रहे हो, बच्चे को मारते हो, शर्म नहीं आती? सरदार ने 20 नहीं बोले, 30 बोले थे, 30 बोला मारने के लिए। पैसे दे दिए फिर भी मारे लोग। भाई किसको बोल रहा है? हमारे को भाई बोल रहा है? डाकू भाई नहीं होता है, डाकू नंगी तलवार होता है, खबरदार जो हमारे को भाई बोला। अच्छा डाकू अंकल? डाकू अंकल क्या, हम तुम्हारे बाप का साला है क्या? डाकू अंकल क्या होता है? डाकू मामू। अच्छा मामू बना दिया, हम तुम्हारे लिए चिल्कों से लेकर आया, काय के लिए मामू बोल रहा है? डाकू खाला। खाला हम क्या गरारा पहन के आया? अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे को कुछ बोलेगा? एक बात सुनो,
तुम्हारे को कैद में आए हुए कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए? जाओ सताले का सर धो के आ जाओ, तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है। रुखसती का? रुखसती हमने तुम्हारे को पूरे मुल्क में मशहूर कर दिया है। कैसे? अखबार में तुम्हारी खबर आ रही है, रोजाना फोटो छप रही है। अबे मशहूर क्या, बदनाम कर दिया वो तो। बदनाम होगा तो क्या नाम नहीं होगा? जाओ चुपचाप तैयार हो जाओ, तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है। मुबारक हो, रुखसत होने वाला है। तुमको भी मुबारक हो। किस बात की? तुम्हारी मुझ ने बच्चा दिया है। कसम से हमारे को पता ही नहीं बच्चा भी हो गया है। चलो बाबा तैयार हो जाओ, चलो मार डाली। और बात सुनो रे हो तबलों की जोड़ी, तुम भी जाके अंदर तैयारी म्यारे करो, और कोई हमारा पूछे तो बोलना हम सोया हुआ है। चलो जाओ अंदर। ठीक है, इसका ख्याल करो, उसको तैयारी करवाओ, इसका पैसा आ गया, चलो जाओ। ओके ओके, काय का बोल रहा है, तुम क्या कॉलेज में आया है? ओके चलो बाबा, अल्लाह का करम है। कौन है मेरी जान? बोलो मेरी जान किधर चले? जब कहती हूँ चलने का तो भाग जाते हो। तो उस वक्त हमारी जेब में पैसे ही नहीं होते। बात बंद करो, चलो तुम शुरू करो। ओफो, तुम्हें पता है बड़ी मुश्किल से ना एक मुर्गा फंसा कर लाई हूँ। तुम घेर के लाई है? हाँ। शिकार करके लाई है? हाँ। तुम लड़की है बिल्ली है? अरे नहीं, शिकार किया है। अच्छा। और पता है क्या नाम है उसका? क्या? सेठ गनी नाम है उसका। क्या बात कर रही है? हाँ, एक काम करो। हाँ? तुम ऐसा करो, तुम कुछ देर के लिए ना गायब हो जाओ। गायब हो जाओ? हम क्या शैतान है जो गायब हो जावे? मेरे कहने का मकसद ये है कि छुप जाओ कहीं। छुप? हम इधर ही छुप जाता है। अरे इधर छुप रहा है इसके पीछे। इधर? हाँ। लेकिन सबको कह देना यहाँ कोई मत आए। चलो बाबा तुम भी इधर छुप जाओ। ऊपर ही बंदूक लेके खड़ा तो कुछ चिड़िया ही मार लो। बोलो। टेंशन दे रहे हो मुझे। वैसे एक बात है। क्या? तुम्हारी आँखें बड़ी खूबसूरत है। दिल चाहता है उंगलियां मार के फोड़ दूं। मेरा भी दिल चाहता है तुम्हारा सर फोड़ दूं। फोड़ देना, हम इधर छुपा हुआ है, सब देख रहा है। ठीक है? ठीक है। ओके बुलाओ। सेठ गरी आ जाइए। ए रीमा। हाँ। ए किधर है रीमा, किधर रह गई ओ रीमा? सुनसान जगह पे ले आई है क्या, मेरा निकालना है कीमा? जानो क्या हो गया आपको, प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए इससे अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी? नहीं, जगह तो बहुत अच्छी है, बेहतरीन जगह है, लेकिन तेरे को शहर के अंदर में एक से एक जगह बताता। कौन सी, वहाँ कौन सी जगह? सफारी पार्क चलती है, एक से एक मेरी देखी हुई है झाड़ियाँ वहाँ पे। है? ओए ओए, थोड़ी देर बैठते झाड़ियाँ हिलती, बोलते हैं बिल्ली ने बच्चे दिए। अपन चलते नेटी जटी के पुल पे। वहाँ क्या है? एक से एक पुल पे छानेबाजी हो रही है आजकल। नेटी जटी के पुल पे खड़े हो जाओ, मजे लो, बातें भी करो, पुल भी हिले, एंजॉय भी करो। तू इधर लेके आई है मेरे को जंगल के अंदर? मेरी समझ में नहीं आता। वैसे एक बात है। क्या? जंगल में मंगल बनाने का बड़ा मजा आएगा, फिर बनाएंगे बुध, फिर जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार की छुट्टी फिर से फिर शुरू। कैसी बातें कर रहे जानू? ये जानू मानू नहीं बोला कर तू मेरे को। क्यों जान? मेरे को लगता है मैं कच्ची आबादी का काउंसलर हूँ। जानू मानू नहीं। जानू अच्छा लगता है ना मुझे। अच्छा एक काम करती हूँ, आपको ना गनी ठीक है? गनी तो मेरा नाम है ही। गनू ठीक है? हाँ ये सही है, तुम्हारे जैसी लड़कियों का मुझे अच्छा लगता है गनू। अच्छा गनू। हाँ जानू। एक बात बताओ। बोलो। ये बताओ तुम वाकई मुझसे सच्चा प्यार करती हो? अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरी सामने वाले की दोनों आंखें फूट जाएं। क्या? मेरा मतलब है कि मैं झूठ बोलूँ तो मेरी सामने वाली दोनों आंखें फूट जाएं। अच्छा अच्छा गनू मुझे एक बात बताओ। जी जानू। ये बताओ कि तुम्हारी अपनी बीवी से क्यों नहीं बनती है? ये कोई हमारी बीवी है? क्या हुआ समझ में नहीं आता, चार बच्चे होते हैं तो पानी की बदक हो जाती है। तो तुम लोगों क्या बात है, खुदा की कसम हमारी बीवी को बोलो और तुमको बोलो कितना फर्क है। तुम्हें बोलो घूमने चलना है, तुम फौरन बोलो कि चलो ऑक्स पे चलते हैं, केमारी चलते हैं, मरी चलते हैं। हाँ। हमारी बीवी को बोलो चलो घूमने चलना है, हाँ चलो क्लिफ्टन चलते हैं, दरगाह पे भी हो लेंगे। ये हमारी बीवी है। अच्छा तुम लोग हो, तुम्हारी क्या बात है। लेकिन जानू आपको पता है 40 साल की जो औरतें होती है ना बहुत अच्छी होती हैं। हाँ। आप भी अपनी बीवी से प्यार किया करो ना। मैं तो करता हूँ, मेरी बनती नहीं है, छोटी छोटी बात तो मेरी बीवी से नहीं बनती। क्या मतलब है? अभी देखो मेरी बीवी से क्यों नहीं बनती। हाँ। मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ, वो तलाक लेना नहीं चाहती। नहीं बनती। अच्छा एक दफा क्या हुआ कि मैं गिर गया कुएं के अंदर। ठीक है, मैंने घर में नया कुआं बनाया, मैं कुएं में गिर गया,
मेरा नौकर भागता हुआ गया, बोले हाजियानी सेठ साहब कुएं में गिर गए। हाँ। तो मेरी बीवी क्या बोलती है? क्या? तूने तो मेरा डरा दिया, मैं कौन सा कुएं का पानी पीती हूँ? मेरी जरा नहीं बनती मेरी बीवी से, पता है मेरा क्या बोलती है? तुमसे तो अच्छा नमक है। हाँ। जो ब्लड प्रेशर तो हाई करता है। ऐसी है मेरी बीवी। तो जानू आप थोड़ी प्यार से बात किया करो ना उनसे। तो मैं करता हूँ प्यार से। फिर मेरे को एक दिन क्या हुआ, हम लोग गैलरी में खड़े हुए थे, मेरे को बोलने लगे जानू वो बगीचा देख रहे हो सामने? मैंने कहा हाँ। देखो उधर बगीचे में लड़का लड़की से कैसी बातें कर रहा है, कैसा प्यार कर रहा है, ऐसा प्यार तुम क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा मैं कहाँ से करूँ, मैं तो लड़की को जानता भी नहीं हूँ। आपको पता 40 साल की औरत जो है ना घर को जन्नत बना देती है। हैं? हाँ। जन्नत नहीं बनाए ना तो फिर 40 साल बाद जन्नत में पहुँचा भी देती है। सबके जाऊँ मैं डस के जाऊँ? गानू कौन सा मोबाइल रखा हुआ है? गया देख लिया, गया। जानू तुमको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। ले लो। थैंक यू। नई कंपनी का है। कौन सी? ठोकिया। ठोकिया? ये नई कंपनी निकली है ठोकिया का, तुम रख लो, मैं कोई और ले लूंगा शोकिया। अच्छा, तुम लोग मांगो तो हम इनकार कर ही नहीं सकते। हमारी बीवी मांगे तो हम लोग मना करते हैं, चले चल चल। गानी थी है, कुरो कुरो डियू तो गए, कुरो कुरो डियू। तुम मांगो तो सारी सारी रात देने के लिए तैयार है। ये पंखे में ठो, ये गड़िया। सुबह फिर मोहतंदाज में आके दुकान खोलते, शटर उठा के एक अपारिया, जरा यार हाथ तो लगा। ये हालत हो जाती है। अच्छा जानू छोड़ो इन बातों को। गनु मुझे ये बताओ, तुम्हें याद है जब हम पहली दफा मिले थे? ये वो दिन भूल सकता हूँ? दूसरे दिन ही मेरी वेस्पा बिकी थी, अच्छी तरीके से मेरे को याद है। तो फिर क्या हो गया? चेंजर वाली वेस्पा थी, चेंजर वाली। तो जानू क्या हो गया? हमारे चक्कर में तो लोग अपनी जायदादें तक बेच देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो क्या अपनी जायदादों में बम बांध के घुस जाते हैं, तबाह कर देते? किस तरह बात करती है? और नहीं तो क्या? क्या है? जगह अच्छी है। हाँ? शुरू कर। जानू सब्र करो, सब्र बड़ी चीज है। हाँ, आज रात को चांद निकलेगा, कल सुबह ईद है। मेरे को हमेशा यही बोलती है, सब्र करो सब्र करो, सब्र बड़ी चीज है, आज रात को चांद निकलेगा, कल सुबह ईद है। मैं 2 दफा तैयार होकर बाहर गया हूँ, लोगों ने बोला आज ईद नहीं है, चुम्मा चल निकल। अच्छा जानू एक और बात बताओ। क्या? ये बताओ कि शादी के बाद ना हनीमून पे कहाँ जाएंगे? अपन जाएंगे सांगड़। सांगड़? मेरा चाचा का घर है, वहाँ छापा नहीं पड़ता है। कैसे बात है करो, कोई अच्छी सी जगह लेके चलो ना। जा तू बोलेगी चलेंगे, अभी तू देखना शुरू कर ना, चल ना। जानो क्या जल्दी पड़ी रहती। अच्छा ये बताओ कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है? तो हमारी बीवियाँ पूछती है ना। हाँ। क्या हुआ कारोबार तो करो थी हो, तो हम लोग पता क्या बोलते हैं? क्या? वो महीने से धंधो ना है, मोहतंदाज में फारिक बैठा हूँ, कोई अच्छे न तो, जो भी अच्छे तो चड्डी जो भाव पूछी ना ली तो। तुम्हारे जैसी औरतें आए तो कौन काफर मना करेगा? इसी हफ्ते 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 50 लाख? बस कम है ना? बहुत कम है। तो 70 रुपए के 10,000 तो मेरे जुगाड़ के भी है। हाँ रात को चढ़े 60 लाख रुपए कैश अमाउंट। और कहाँ कहाँ है? बहुत जगह पैसा। पैसा बहुत? पैसा बहुत। हाँ। खाना हमेशा मांग के खाता हूँ। मांग के क्यों खाते हो? तो इतना बड़ा सेठ खुद बावर्ची खाने में से निकालेगा? रोकड़े में बताओ खाना दे दो। अच्छा 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 अच्छा, वो वाली बात है। जानू आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है। ये बातें तो तू घर पे भी कर सकती है। शुरू कर प्यार मोहब्बत की बात। प्यार मोहब्बत की बात ही तो कर रही हूँ। शुरू कर प्यार मोहब्बत की बात। अगर इधर कोई हरकत की तो देंगा तुम्हारे को घुमा के लात। ये वाली कौन है ठट्टे का मोची? इधर आ इधर आ। ये सिंध के मोची? सिंध के मोची क्या, हम क्या सांपों को टाके लगाता है? ये कौन है हिटलर की औलाद? तू है कौन गधेड़े का बच्चा? अब्बा मेरी ऐसी औलाद हो ना तो मैं अपनी बीवी को बहन बोल के तेरे को भांजा बना लूं। अगर हमारा ऐसा बाप हो ना, गिलास भरने वालों को देकर चप्पल खरीद ले। अपने आप को बहुत दिलीप कुमार समझता है, ये है कौन?
हम चले? बोलो मेरी जान किधर चले? अच्छा बादशाह किधर चले? देख के मैं आया हूँ, किधर चले? ये जंगल में क्या भेड़िया के तिक्के बनाता है ये? हाँ बस एक भेड़िया आ गया है, अभी तिक्का बनाने वाली बात है। कैसी बातें करता ये है कौन? क्या हुआ, क्या कर रहे हो? क्या तुमने इसको बताया नहीं है क्या? नहीं, वो ये मुर्गो। अच्छा वही जो घेर के लाई है? हाँ सेठ गनी। अच्छा अच्छा करना क्या है? मंचले। हाँ मेरी जान। बाहर ना इनकी गाड़ी खड़ी हुई है। तो क्या उसकी मशीनरी निकाल ले? तेरे बाप की गाड़ी है ना, ऐसे होते है ना जो गाड़ी के व्हील कप में अपना मुंह देख के खुश होते। तुम्हारे जैसे भी होते हैं जिसकी टांग पे ट्रक गुजर जाता है फिर ऐसे चलते हैं। जिंदगी में पहली दफा लंगड़ी कुत्ती देखी। लंगड़ी कुत्ती देखी है? हाँ जी। इसके कहने का मकसद ये है। गाड़ी की मशीनरी की क्या बात करता है, गाड़ी निकाले। एक मुक्का बीच में अंगूठा रख के दूं तो? खबरदार हमारे को पेट में मुक्का नहीं मारना, हमने सुबह पापे खाए वो टूट जाएंगे। क्या बात है, मेरे नाम से इसकी हवा काहे को निकल गई? गनू अल्लाह माफ करे, तुम्हारा मुंह तो देखो कितना बड़ा है, अचानक हमारे सामने नहीं आया करो। क्यों? हम समझते कोई ट्रक आके खड़ा हो गया है। मेरे को बोला अपना मुंह नहीं देख रहा? क्या है माशाल्लाह, ऐसा नहीं लगता टिश्यू के डब्बे में तो टिश्यू निकाल रहे हैं। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये तो पागल है, ऐसी बातें करता है। पागल है तो इसका इलाज करा। तू गाड़ी की क्या बातें करता है, तेरे बाप की गाड़ी है। जानो इसके कहने का मकसद ये था कोई मशीनरी निकाल ना लेना। अच्छा अच्छा यार, जा जा यार, जाके जरा ध्यान दे। चारों टायर निकाल ले क्या? फिर चारों टायर की बातें कर रही है? अच्छा भाई निकाल लो, बस बहुत हो गई है। क्या क्या मतलब, क्या 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 मतलब निकाल लो? एक मिनट, ये सारा सामान निकाल के पुरानी जगह पे पहुँचाना है? पुरानी जगह पे पहुँचा दो। ठीक है। क्या मतलब क्या? आपको पता ही नहीं है क्या? आप अगवा हो गए हो। रीमा नहीं, अब री को हटा दो, खाली माँ बोलो। मेरे होने वाले बच्चों की माँ रीमा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुन रहा है तुम, सही सुन रहा है, अगवा हो चुका है तुम। और ये रीमा को हमारे सरदार ने तुम्हारे पीछे लगाया हुआ था तुम्हारे को अगवा करने के लिए। ये तूने क्या कर दिया रीमा? क्या हुआ? फिल्म स्टार रीमा वाली हरकतें शुरू कर दी। मैं तो तेरे खातिर अपने बीवी बच्चों की छुट्टी कराई, अपने बॉडी गार्डों की छुट्टी करा, इसने मेरी छुट्टी करा दी। अभी तुम ईमानदारी से बताओ तुम्हारी बॉडी को कैसा गार्ड किया है उसने? ये तो शुक्र कर इसकी बॉडी को मैंने गाइड नहीं किया। अच्छा तो तुम्हारे को पता चल जाना। बहरहाल पता चल गया, अभी तुम अगवा हो गया। चलो आ जाओ लॉकअप में, आ जाओ। इज्जत से? हाँ इज्जत से गायको, तुम हमारा अब्बा है क्या? खुदा की कसम तू मेरे को जानता नहीं है। तू अगर बदमाशी करता है इस तरह की बातें, मेरे को आराम से बोल, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। चलो अंदर चलो बाबा, चलो अंदर। इतनी देर से झूठी तारीफें कर करके मेरे तो मुंह में छाले पड़ गए थे। छाले पड़ गए? तू मुंह से चलती है? बकवास बंद करो, चुप खड़े रहो भाई। चुप खड़े रहो क्या? तेरे बाप की मैयत हो गई, मेरा मोबाइल तो दे दे, मेरे बच्चे का मैं ऐसे फोटो के बहाने लेके आया था। ये तेरा मोबाइल नहीं, ये मेरा मोबाइल है। अल्लाह करे कंपनी ठोकिया बंद हो जावे। हाजी चले। हाँ बोलो। एक काम करो। बोलो। सरदार को जाके कह दो कि उसका शिकार आ गया है। ठीक है बता देता है। मंजले इधर आ। क्या है? किसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया? अताउल्ला का कौन सा गाना इस सिचुएशन पे आता है? अताउल्ला? अताउल्ला कौन सुनता ही नहीं है। तो वो तेरे को बहुत सुनता है ना जैसे? क्या बात कर रहा है? वो गाना नहीं है। अच्छा चिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार नहीं लूट लिया कर यार का। रुपया पकड़। एक बात हमारे को एक बात बताओ। क्या? ये जो अताउल्ला है हाँ। ये बाजा पीछे क्यों रखता है? चोरी का है ना। अपना बात सुन। हाँ बोलो। इधर बाथरूम है, पीछे की साइड पे जाएगा, बाथरूम बना हुआ है, बड़ा टप है। टप? टप को क्या करेगा? मैं टप में नहाता हूँ ना हमेशा। वहाँ पे टप नहीं है, खड्डा खुदा हुआ है। हाँ। उसके अंदर पानी भरो और टप टप करता रहो। ये तो मेंढकों वाली हरकतें हो गई है। बाथरूम वहाँ पर पानी का कनस्तर भरा हुआ है। हाँ। लेकिन जब उसको उठाएंगा ना हाँ। तो उसके नीचे हाथ रखना। किसके? कनस्तर के। तो क्लियर तो कर।
कनस्तर के नीचे हाथ रखूं? हाँ, उसका तल्ला नहीं है। जा तुम्हारा पेड़ा गर्क हो, किसी लड़की के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ो भाइयों, किसी लड़की के पीछे नहीं भागना और अगर आ जावे तो पीछे भी नहीं हटना। ए, ए, बच्चों इधर आ, मैं इधर आ, मेरा बेटा इधर आ, दरवाजा खोलिए, दरवाजा बेटा। आप लोग कौन हो? कौन हो बेटा आप लोग? बच्चों हम बच्चे नहीं है। हम मुकम्मल डाकू है। देखे बच्चे, डाकुओं ने तरक्की कर ली, तुम्हारी तरक्की किसने रोकी? वो कौन तुम लोग? अरे हम डाकू हैं। खबरदार है, खबरदार, हम डाकू हैं। देखो देखो मेरी बात सुनो, अगर खुदा की कसम कोई भी मेरे यहाँ से बोटी लेके गया मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जंगली है, इधर इधर चलो। तुम लोग कौन हो बेटा, कौन हो तुम लोग? हम लोग डाकू हैं। बेटा एक काम करो, तुम लोग को स्कूल के जाने के दिन है, तुम लोग किस चक्करों में पड़ गए हो यार? तुम हमारे बराबर हो। मेरे बराबर हो तुम लोग? सारी दुनिया में नजर आ रहे तुम छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ। नहीं, तुम हमारे बराबर हो। कैसे? बैठ के देखो। ये ले बैठ गया। अब देखो, वाकई में यार तू तो साइंसदान है। अच्छा दूसरी बात, हाँ टांगे सीधी करो। ये ले। जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे खड़े होके दिखाओ। जैसे तू खड़ा होगा वैसे हूँ? हाँ खड़ा हो। हाथ ऊपर करो। बगले बनाएगा क्या? एक, हाँ दो, हाँ तीन। वापिस कर। एक दो तीन। जरूर कोई इसको नीचे से उठाता है। अब मैं जैसे बैठूंगा वैसे बैठ के दिखाना। बैठ। एक दो तीन। ये कोई ये भी ताकत है जो तेरे को बिठा भी रही है उठा भी रही है? कोशिश कर रहा हूं। कोशिश करो। जैसे तू गया ऐसे। हाँ। एक दो तीन। असल में वजन ज्यादा है ना यार। ठीक है उधर उधर देख, गिनते गिन। एक, हाँ दो तीन। पकड़ा गया। तो नहीं भी पकड़ता तो मैं वैसे ही उठ नहीं सकता हूँ यार, वजन इतना भारी है ना। तुम लोग हो कौन इतनी देर? कौन शोर कर रहा था जान? तेरी बहन के बच्चे थे, ये चुड़ैल के बच्चे थे, दो इतने इतने से थे। कौन? एक तो दाढ़ी वाला था, एक बगैर दाढ़ी वाला था। तुम इधर बाहर अंदर चलो, तुम इधर चलो, इधर तुम निकल के अंदर चलो। इज्जत से, हाँ इज्जत से। क्या बात कर रहा, तुम्हारे में चादरें चढ़ती हैं क्या? बदमाशी नहीं करना, मैं तेरे को बता देता हूँ, वरना खुदा की कसम ऐसा भागूंगा तेरे बाप के भी हाथ में नहीं आऊंगा। चलो अंदर चलो, चलो अंदर। तू ऐसे नहीं मान, तुमसे नहीं करो भाईजान, पसीना आया साफ कर। अंदर चलो, अंदर चलो। जा रहा हूँ ना अंदर, और किधर जाऊँ? अंदर जाओ और कुंडी खुदी लगा लेना, आज हम थका हुआ है। आज तेरी माँ काम पे नहीं गई? नहीं, हमारी अम्मी काम पे नहीं गई, तुम्हारी अम्मी के साथ पिकनिक मना रही है। ये मेरी माँ है। और कौन है? अल्लाह रखा। बात सुनो, कुंडी तो लगा दे। कुंडी खुद ही लगाओ यार, ये तो गलत बात है यार। वैसे एक बात है यार, तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा है यार। अभी तेरा छोटा रह गया तो मेरा कसूर है? चलो हमारा छोटा है लेकिन काम तो पूरा कर रहा है। वैसे माशाल्लाह अपने कान निकाल दो। क्यों? उसकी जगह पिजारों के शीशे लगाओ। शाबाश, शीशे लगाओ, फिर मैं चश्मा किधर लगाऊंगा? बहुत बड़ा मुंह है यार। तो भाई मैं क्या करूं, अभी तेरा मुंह देखा है तूने? अपना मुंह ये तीन ऐसा लगता है कि चिलगोजे पे मुंह बनाया हुआ है। तीन ब्लेड वाला जो रेजर है नी, हाँ। तुम्हारे मुंह की वजह से बना है। तो तू क्या अपना मुंह शार्पनर में देके बनाता है शेप? बहुत बड़ा मुंह है यार। तुम्हारा नाई शेप बनाता होगा, घर वालों को बोल के आता होगा कि मैं भाई एक हफ्ते तक नहीं आऊंगा। बहुत बड़ा मुंह है यार। तो एक काम कर, अपना घर बेच और मेरे मुंह में रेल
दो पूरी फैमिली। मुंह बड़ा है तो हो सकता है हमारी हरकतों से बड़ा हो गया हो। तुम्हारे सर में से जूही उतरता होगा, जूंगा टोला समझता है ना? हाँ। जू उतरता होगा वो भी रक्षा करा के उतरता होगा। अपना 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 सर जरा नीचे कर। ले लियो। ये देखो माशाल्लाह, किसी डॉक्टर को दिखा, तेरे सर में से घुटना निकल रहा है। हम सर से जुआन हो रहा है। अच्छा नीचे कर। ये लियो। तो जुआन ये बच्चे की चड्डी तो पिना। माशाल्लाह इतना बड़ा जिस्म है, इतना सा मुंह है, ऐसा लग रहा है एक महीने का बच्चा ऊपर बैठा हुआ है। बहुत बड़ा मुंह है यार। अरे तू एक बात बता यार। हाँ जी। तू इधर का मस्करा तो नहीं है? बहुत बड़ा मुंह है। जब भैंसों के बाड़े के पास से निकलता हूँ ना, भैंसे भी शर्माती होंगी, अरे हमारा मियाँ आ गया। तेरा मुंह मेरे को देना। वजह? बच्चों की फीस माफ करानी है। अपना मुंह भी हमारे को देना। देख मैं दे तो दूंगा, तू लेके भाग गया फिर। नहीं नहीं अपना मुंह हमारे को देना। क्यों? गुल्लक समझ के पैसे जमा करेगा। हाँ, मुसीबत हो जाएगी तेरे को। क्यों? निकालेगा कैसे? सुबह की पहली फ्लाइट से। इसको पता ही नहीं है मेरी फ्लाइट अक्सर कैंसिल हो जाती है। बहुत बड़ा मुंह है यार। तुम ऐसे ऐसे करता होगा, हाँ? तुम तो खुद अपने फरिश्ते गिरा देता होगा। ये बात तो पता है, वो करता है जिसका दवाई का टेम हो गया। बहुत बड़ा मुंह है। बात सुन। हाँ जी। कभी शेर को देखा पिंजरे में घूमते हुए? तुमने कभी खुला शेर देखा है? नहीं, कुत्ते देखे। बहुत बड़ा मुंह है। एक बात बताओ, दरिया में मुंह डालता है, हाँ? एक किलो मछली तो मुंह में आ जाती होगी? एक किलो नहीं आती, एक किलो जितनी आती है। ए, चला जाए यहाँ से, मीरपुर खास के झींगे। बहुत बड़ा मुंह है। खुदा की कसम ऐसे होते है ठठे में मोची। अपना मुंह खुला कराओ, हमारे जैसे तीन चार निकल आएंगे। तीन चार निकल आएंगे? मुंह से निकलते हैं, मुंह से। बहुत बड़ा मुंह है यार। तुम्हारे मुंह पे एक शेर अर्ज किया है। एक शेर अर्ज किया है हमने। सुना कि मेरे महबूब मेरी जान मेरी आरजू। तेरा महबूब तेरी आरजू? मेरे महबूब मेरी जान मेरी आरजू। अरे तुम्हारा इतना बड़ा मुंह। मेरी जान मेरी आरजू, वाकई में सही बोल गया, मेरा बहुत बड़ा है मुंह। जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो। चुप रहो। क्यों? तेरे बाप की मैयत हो गई है। देखो गनी भाई। आजा, कोई नहीं आजा, दो चार बातें कर लेंगे, तीन चार चाय पी लेंगे, फिर चली जाना। बहुत हो गई बातें, अब तुम मेरे भाई हो। शर्म आनी चाहिए, अभी पांच मिनट पहले तो गन्नू डार्लिंग गन्नू, अभी तूने मेरे को भाई बोल दिया। रीमा बहन, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तेरे से मोहब्बत करता था रीमो। लेकिन हम सिर्फ दौलत से मोहब्बत करते हैं। तो मांग, कितने पैसे चाहिए तेरे को? लाख रुपया? 50,000? 25,000? 10,000? 5,000? 1,000 रुपया? 500 रुपए? 100 रुपए? रुपया खुला नहीं है। तुम्हारी कीमत अब हमारा सरदार ही लगाएगा। मैं बकरा इतना बकरा हूँ, मेरी कीमत लगाएगा? बात सुन रीमा। क्या है? फिनाइल मिल जाएगा? फिनाइल? क्यों? बड़ा बड़ा मच्छर है, खुदा की कसम। ऐसी ऐसी जगह काट रहे हैं, मेरा अल्लाह जानता है, धतोड़े निकले हैं धतोड़े। मोहब्बत में तेरे सर की कसम मेरी जान, ऐसा भी होता है? तो शुक्र कर ऐसा हुआ, पांच मिनट पहले वैसा हो जाता तो पता चल जाता तुम लोगों को। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया रीमा। मैं कह रही हूँ मेरे से ज्यादा बदतमीजी नहीं करना, समझ गया? कोई बात नहीं रीमा, मोबाइल तो दे दे, मेरे बच्चे का छोटे का। चल चल, बढ़ाया मोबाइल लेने, एक तो पता नहीं कहाँ मर जाता है। कभी इन लड़कियों के चक्रों में नहीं आना भाई, खुदा की कसम। ये वही है बिल्कुल जैसे स्कूटर पे आके मोबाइल नहीं ले जाते। बच्चों तुम्हारी माँ कहाँ है? अंदर लॉकअप में। लॉकअप क्या मतलब? बहुत सख्त बीमार है। उनको है ना 480 बुखार है। 480? वो थर्मामीटर से नापा नहीं जाता है, उन्हें इंची टेप से नापते हैं। तो बेटा बुलाओ ना उन्हें, हम उन्हें अस्पताल तक छोड़ देंगे। लेकिन जल्दी करो, हमने भी अभी बहुत दूर जाना है। ये मेरे शौहर कहाँ रह गए?
वो गाड़ी पार करके आ रहे। बेगम, बेगम। अरे माफ करना, तुम तो बेगम हो। अबे ओए, ये तुम लोग हमको कहाँ लेके आए? तुम्हारी माँ कहाँ है? किसकी माँ? बेगम बेगम, ये इंसान के नहीं जिन्नात के बच्चे हैं। अबे ओ, मैंने तुमसे तुम्हारी माँ का पूछा है, कोई लतीफा नहीं सुना है। कहाँ है तुम्हारी माँ? हमारी कोई माँ नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था बेगम, ये इंसान के नहीं जिन्नात के बच्चे, गाड़ी मत रोको। लेकिन तुमने गाड़ी रोक दी। सुनसान सड़क पे अकेले खड़े थे, तुमने कहा नहीं, इनकी हमको मदद करनी है, इनकी माँ बीमार है। मैं तो कहता हूँ निकलो यहाँ से। चलो चलो बच्चों, कौन है ये लोग? अरे ये तो कह रहे थे कि हमारी माँ बीमार है। ये तो ऐसी तंदुरुस्त है, कितनों को बीमार कर दे भाई। ये बच्चे आपके हैं? ये नहीं तो बेगम, ये जिन्नात के बच्चे, तुम मना के तो गाड़ी मत रोको। चलो जी यहाँ से। चलो चलो। खबरदार, अगर तुम यहाँ से गए तो। मुझे लग रहा है इसका दिल लग गया मेरे से। बकवास बंद कर लो। ये क्या है? दिख नहीं रही तुम्हें? क्या है ये? पिस्टल। ये चलती है? हाँ। चला दो। बकवास बंद करो। तुम शुरू करो। नहीं वाकई ये चलती है? तुम्हें शायद पता नहीं है। मुझे सब पता है, तुम्हें पता नहीं है। क्या? नहीं नहीं, ये वाकई चलती है? हाँ चलती है। अच्छा इसको दिखाइएगा। क्या? इसको बोलो चलो। बोलो चलो। अरे पागल, उठा के दे। अच्छा जी, ये लीजिए जी। ज्यादा बदतमीजी नहीं करो। तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि तुम लोग किडनैप हो चुके हो। क्या हो गए? क्या हो गए? किडनैप, अगवा हो गए। अगवा? अगवा? अगर तुमने हमें अगवा किया तो लूटो ना मुझे, लूटो ना। मैं उधर आ जाओ तुम। नहीं नहीं, माफ करना नहीं, नहीं, तुम तो बीवी हो। तुमने वो देख के मुझे बहन कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, माफ करना बीवी। वैसे एक बात बताए भाई दादे। क्या है? ये हमें अगवा किसने किया? इन लोगों ने। ये गधे के बच्चे? क्या? ये तो किसी के घर से आम तोड़ के नहीं ला सकते, तो हमें क्या अगवा करेंगे? अरे नहीं, इन लोगों ने अगवा किया तुम्हें। बेगम, तो तुम्हें मजलूम बच्चे समझे थे, ये तुमने क्या किया बच्चों? तुम्हें क्या पता, ये तो तुम्हारे बाप से भी बड़े हैं। मैंने तो इनको देखते ही पहचान गया था कि ये बच्चों वाली चाल नहीं, बड़ों वाली चाल है इनकी। ओए चल के दिखा। ये देखो, इनमें से एक पूरा भी है। ओए पागल के बच्चे, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? बदतमीजी क्या कर रहा हूँ मैं? हमको क्यों उठाए? तुमको क्यों उठाए? हाँ? तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं नहीं, आप प्यार से बोलो, मैं मान जाऊंगा। चल दे काम कर अपना। मान चले, जल्दी आ इधर। क्या हो गया? अरे ले जाओ बम। बहुत अच्छे, ये बम तुमने मेरी बीवी को देख के बोला है ना? अरे कौन है तुम लोग, पहचाना नहीं? नहीं, हम तो कभी तुम्हारे घर पे आए ही नहीं है। कौन है ये? पहचानो। कौन है तुम लोग? हम मियां बीवी। मियां बीवी? हाँ। वो तो हमको पता है कि तुम मियां बीवी है। तुम्हें कैसे पता है? इन दोनों की शक्लें मिल रही है। बहुत अच्छे, ये बता तेरी अम्मी और तेरे अब्बा की शक्ल मिलती थी? नहीं, अम्मी की तो मिलती थी, अब्बा की तो मोहल्ले वालों ने खराब कर दी थी यार। वैसे तू इतना खुश क्यों हो रहा है हमें देख के? क्यों? क्या बहन और बहने पहली दफा तेरे घर आए? तुम बोलता रहे हो बहन, अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता है बाबा। फोन क्या करना है? बता दो क्यों आए थे इधर? ऐसे नहीं रोया करो, तुम्हारा नाक और मुंह मिक्स हो जाता है। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बता भाई? क्या हुआ, क्या ये बताओ? क्या हुआ है भाई? हम दोनों ना हनीमून बनाने जा रहे थे। क्या करने जा रहे थे? बनाने। इसकी बीवी नहीं है? क्यों? हनीमून बनाते नहीं है, मनाते हैं। अरे तो हमको क्या पता? मनाते या मनाते, उससे पहले हम दोनों जा रहे थे बाई रोड। अच्छा। हमको रास्ते में तो कच्चे डाकू मिल गए। कच्चे डाकू? कौन से? ये वाले। कच्चे नहीं है, फिर पूरे पक्के हुए है वो।
फिर देखना इंशाल्लाह एक दिन कीड़ा भी पड़ेगा। पड़ेगा हमारे आदमी है, अमरूद है जो कीड़ा पड़ेगा। बात सुनो। हाँ जी। तुम दोनों जाओ। मेहरबानी। तुम नहीं। हाँ? तुम दोनों जाओ। ओके बॉस। ओ, इसकी मूछें नहीं है, इसको बॉस बोल रहा है। बहुत बोलता है ये, बहुत बोलता है। अभी तुम्हारे सर में पंखा लगा देगा ना, हेलीकॉप्टर बन जाएगा। खड़ा हो जाओ चुपचाप, बोलो क्या करना है इनका। मैडम हमें जाने दो, मैंने बेगम को मना भी किया कि ये इंसान के बच्चे नहीं है, जिन्नात के बच्चे, गाड़ी मत रोको। रोक दी। बहरहाल अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। क्यों? अगर तुमने यहाँ से बाहर कदम निकाला, हमारे आदमी चारों तरफ जरासीम की तरह फैले हुए हैं। हाँ, और हिम्मत भी नहीं करना जाने की। अरे कहाँ जाने की, यहाँ से तो हम भागेंगे ही नहीं। और वैसे भी एक बात सुन लो भाभी आपा। भाभी आपा? हमारी तरफ से भाभी बोल रहा है, चुप कर जाओ। नहीं, नहीं। आपा हमने उसको बोला, भाभी तुम्हें बोला है। बहुत अच्छे। देखो बात सुन लो भाभी आपा, भाग के हम लोग पहले भी नहीं आए, बाकायदा हमने निकाह किया है। निकाह किया है? किया है तो इसमें अकड़ने वाली कौन सी बात है? अभी तुम यहाँ आ गए हो ना, बस हट जाओ। चलो बाबा अंदर चलो, चलो बाबा अंदर चलो, चलो अंदर चलो। उधर ला कम, इधर आओ, इधर आओ, उधर देख ली क्या है। चलो अंदर चलो, उधर खड़े रहे। शुक्रिया मेहरबानी, अल्लाह तेरे काम में बरकत दे। आमीन। ऐसी ट्रिप तू दुबई लेके जा, तेरे पास लड़कियों की कमी नहीं होवे। सिफा नहीं, आ जाओ आ जाओ। भैया आदमी है कौन? जाओ क्या? तू है कौन? यार का मालिक है नीमो वाली। अबे तू है कौन? मैं जिलेला ही। इस लड़की से पूछा जाए। क्या? जब ये अंदर आ गई थी तो बाहर क्यों आई? अबे ओ इंसान बन, तू है कौन? मैं यार का मालिक गनीमो वाली, क्या लिख के दूं? वैसे एक बात सुनो भाई। हाँ जी। हमारा लॉकअप चेंज करो। बहुत अच्छे, तुम यहाँ फाइव स्टार होटल में आया है, कमरा चेंज करो। एक बात सुन लो। क्या? क्यों चेंज करो? क्यों? ये आदमी ठीक नहीं है भाई। जब इसको इतराज नहीं है तो तेरे को क्या क्या इतराज? ये तो मेरे को देख के बोली, जानू आप पहले से बैठे हुए हो यहाँ पे। अभी हमारा कसूर तो नहीं है, तुम्हारे घर का सिक्का ही खराब है भाई। तमीज से बात करो। सिक्के को चमकाना हो ना तो हाथ पे रख के ना यूं यूं करते हैं, याद है? एक बात कान खोल के सुन लो, ए गंजा पटेल तुम्हारी खोपड़ी में तेल, आज से तुम इसके साथ रहेगा। ओ भाई पहले एक बात सुनो, मेरा नाम है सेठ कश्ती वाला। हाँ वही कश्ती वाला। हाँ? आज से तुम इसके साथ रहेगा। इसके कश्ती साथ? वाला? हाँ। तेरे जहाज चलते? अबे चलना हो और क्या चलेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ वैसे एक बात है। क्या? मेरी बीवी इसके साथ रहे। तुम इसके साथ रहेगा? मैं इसके साथ रहूंगा। हाँ? बीवी हमारी हरकत से समझ तो क्या होएगा। तुम्हारी बीवी अदा के घर पे रहेंगी। क्या मतलब? अदा बोला है, समझ नहीं रहा उसने। नहीं सिंधी में बोला है। ये कह रहा है कि ये तुम्हारी बीवी इसके यहाँ रहेगी। इसके यहाँ रहेगी? नहीं नहीं, इसके कहने का मकसद ये है कि मेरे साथ रहेगी। चलो चलो तो मैं लेके जाती हूँ। बेगम बेगम, बड़ी लंबी जुदाई सात दिन प्यारी और रब्बा। चलो रेशमा के पुत्र, ये पुराना गाना हो गया, कोई नया गान नया नसीबो लाल का। मंजी देवी चिटांग फेर लो बाबा, एक शेर याद आ गया। अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बोल के तो तुमने सत्यानाश किया है, केस हो गया, 40 गाने ऐसे निकले। लो बाबा शेर याद आ गया है। हाँ। अमर अकबर एंथोनी का शेर याद आ गया है। हाँ, अमिताभ बच्चन ने बॉबी परवीन से कहा। अमिताभ बच्चन ने बॉबी परवीन से कहा, शेर शुरू हो रहा है अमिताभ से, देखना खत्म कहाँ करेगा ये। अमिताभ ने अर्ज किया है कि कभी बोलूं मैं, कभी बोले तू। हाँ। अरे तुम्हारा इतना बड़ा मुंह। बात कैसी है? बात बहुत अच्छी है। चला तुम दोनों बहुत समझदार आदमी लग रहे हो। हमारे एक सवाल का, हमारे एक सवाल का जवाब दो। पूछो, IPL का मतलब क्या है? नहीं पता। IPL का मतलब नहीं पता? नहीं। इमली पपीता लोटा। IPL का आजकल मतलब मतलब कोई नहीं सोचता। क्यों? सिर्फ छक्का और चौका देखते हैं। तेरे को आता है, भाभी को भी आता है? भाभी
जान मनो यार। चलो बाबा चलो अंदर लगा मैं। कोई नया शेर सुना यार, मुंह सुकड़ रहे तुम्हारे मुंह पे। अर्ज क्या है? 200 रुपए मीटर। अर्ज तो इतना ही होता है। हम क्या झामा की लात पे खड़े हैं? 200 रुपए मीटर तुम्हारे को देख के अर्ज क्या है? बल्कि तुम गरीब आदमी है, हुक्म क्या है? काले पान का यक्का हुक्म तो यही होता है जुगाड़ में। शेर अर्ज कर रहा है। हाँ बोलो। शेर अर्ज क्या है कि बाहर निकली है धूप चल रही है लू, बाहर निकली है। समझ गया तुम्हारा इतना बड़ा मुंह? हाँ मेरे को पता, बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी। ये लू चली तो मेरे को पता चला मेरा मुंह आएगा बीच में। माशाल्लाह। एक और सवाल का जवाब दो। तेरे बाप के नौकर है ऐसे ही जो सवाल का जवाब दो। मेरा मुंह बीच में घेर घेर के मियां बीवी सो रहे हैं। अच्छा बच्चा रहे, रो रहा है उ उ उ वही तुम्हारा इतना बड़ा मुंह। ये तो बेईमानी, ये तो बेईमानी। हम तेरी शायरी में बोले थे हमारे यहाँ बीवी सो रहे हैं, बच्चा रो रहा है ऊ ऊ ऊ, मेरा छोड़ मेरे से बड़ा आ गया मुंह। सही सही। एक सवाल का जवाब दो। तूफान भी नहीं आ रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है, फिर भी एक जानवर है जो खुश है, क्यों? क्यों बताओ? नहीं पता। तूफान भी आ रहा है, बारिश भी आ रही है, फिर भी एक जानवर खुश के क्यों? पता नहीं भाई, ये तो कोई पता। शाजिया खुश। इसका थादल पीने का टाइम हो गया। थादल क्या होती है? गुटारे बम बोले बंद तुम लोग भंग। बताओ बारात आई हुई है। हाँ। आदमी नाच रहे हैं। हाँ। पैसे भी उड़ा रहे हैं। हाँ। डांस भी हो रहा है। हाँ। फिर भी एक आदमी परेशान है, क्यों? ये तो कोई पागल का बच्चा होगा, इसी की जेब का खर्चा हो रहा होगा। नहीं बताओ ना वो आदमी क्यों पागल परेशान है? मेरे को नहीं पता। उसका नाम है परेशान खटक। चलो बाबा अभी बहुत हो गया, चलो अंदर बाबा। चलो बाबा चलो बदमाशी नहीं करनी मैंने। होई होई। क्या हो गया? इतनी बदबू अंदर। हाँ जी। तुम्हारे को बोला भी था कि बाथरूम पीछे की साइड पे बना हुआ है। मेरे से कसम ले ले, मैंने तो 2 दिन से डकार भी नहीं लिए, मैं उधर गया ही नहीं हूँ। मेरे से कसम ले ले। ओ इतनी बदबू। तो डाकुओं के अड्डे पे आया, हवाई अड्डे पे आया। इतनी बदबू। अभी अंदर चल, 3 पर वाले मच्छर है। 3 पर वाले। यार बात सुनो। हाँ? ये मच्छरों के काटने से आदमी वो तो नहीं हो जाता? एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। तेरी नई नई शादी हुई है? हाँ यार। इसलिए डर रहा है। हाँ। ये मच्छर जो है ना, ये नहीं बनाता ए? ये तो तंदुरुस्त बनाता है। कैसे? ये बड़े बड़े थोड़े। चलो बैठो। बात सुने भैया। हाँ जी। ये चाय मिल जाएगी टी टाइम पे? ये तो ऑफिस है। डाकुओं के भी अपने कानून होते हैं। अच्छा ये अपने कानून के लिए हमारे कानून की ऐसी तैसी कर दे? कोई मामूली डाकू नहीं है, 18 ग्रेड का डाकू है। हमारे भी कुछ मैनर्स होते हैं। मैनर्स होते हैं। ये मर्दों में होते होंगे भाई। चलो बाबा चलो चलो चलो। ये तुम्हारे साथ कौन हरकत कर गया? तनख्वाह लेके अंगूठा लगा गया। चलो अंदर चलो। बाबा यशोदा का नंद लाला। मटके में से एक गिलास पानी पी ले, बहुत सांस चढ़ी है मेरी। किसकी सांस चढ़ी है? मेरी। मटका ली के नीचे से सारा पानी निकल गया है। अरे गनी भाई, कुंडी भी खुद लगानी पड़ती है। क्या गनी भाई? हाँ। ये इन्होंने हमको अगवा किया है, ये अब हमारा करेंगे क्या? ये बनाएंगे मेरा अचार, तेरा बनाएंगे मुरब्बा, फिर हमारे घर वालों को भेजेंगे कि तावान दो। गनी भाई ये कितने पैसे लेंगे? अभी मैंने तेरे को अगवा तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये मुर्गा देख के पैसे दे करेंगे। वैसे घनी भाई। हाँ। यहाँ तो एसी भी नहीं है, मेरे को एसी के बगैर नींद भी नहीं आती है। अब मैं क्या तेरे सामने ठंडी ठंडी आए भरूं? नहीं घनी भाई, मेरा कहने का मतलब है कि आप मेरे को हवा करते देना। मैंने अगवा किया ना तेरे को, तेरे को एसी के बगैर नींद नहीं आती? नहीं। मेरी कमर पे भी कोई 100 दफा खारिज नहीं करे मेरे को नींद नहीं आती। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं तुम्हारी कमर पे 100 दफा खारिज करूंगा, तुम मेरे को हवा करना, लेकिन एक शर्त पे। क्या? कि नींद नहीं आए बस। नहीं अगर नींद आ गई तो तेरी बारी गुल गई। चल अंदर आ जा। चलो बाबा एक बात कान खोल के सुन ले, बिल्कुल तमीज से खड़े रहना, सरदार आने वाला है। सही कोई है। कोई बदतमीजी नहीं करेगा, बुला रहा हूं सरदार को। बादम बामुल
कितने आदमी हैं? हैं? मैंने पूछा कितने आदमी हैं? दो सरदार हैं। दो और औरत? एक। आदमी दो औरत एक। बहुत ना इंसाफी है रे। अरे ओ सांबा। बोलो तांबा। कितना इनाम रखे सरकार हम पर? पूरे 50 रुपए। 50 लाख कहते में मौत आती है सरदार। 50 लाख बहुत हो जाएंगे, गिनती कौन करेगा? क्यों, लाख के रुपए नहीं होते? होते तो है। खामोश। और ये इनाम सरकार हम पर इसलिए रखे हैं कि 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, गोबर मामू आएंगे चांसी दुल्हन लाएंगे, गोबर मामू आएंगे चांसी दुल्हन लाएंगे। खामोश। दुल्हन लाएंगे लेकिन तेरे घर से। सीधा खड़ा हो जा। सीधे ही खड़ा है सरदार। खामोश। खामोश कह को मेरे बाप का 40वां हो रहा है क्या? 50-50 कोस दूर गांव में जब कोई बच्चा दूध के लिए रोता है तो माँ कहती है, आज दूध वाला नहीं आएगा, कम बखत मारे पानी से काम चला ले। हाँ, कितने आदमी हैं? दो बोला तो सही। दो सरदार। दो। हाँ। और औरत एक। हाँ जी। किसकी औरत है रे? वो है कोई कश्ती, उसकी है। कश्ती। कश्ती वाला। सरदार, ये शीशी पिए आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। ये कौन सी दवा है रे? जहर की शीशी है। रे हमको मार रहा है। सरदार को मार रहा है। आप भी ज्यादा नहीं ऐसा करो, आपको भी पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लगी हुई हैं। ये तो हम भूल ही गए थे कि हमको हमको टीबी भी है। कश्ती वाला। सरदार पीछे हट जा। हमारी दवाई हमारे पास है रे, ये ले, ये ये। मजा आ गया रे। माँ सच्चा तुमने दवाई पी है, फालूदा खाया है? बहुत जी मन चले। बोलो मेरी जान किधर चले? तेरे घर। खामोश। कश्ती वाला। आहा, बहुत मजा आएगा कश्ती वाला। आहा, कश्ती वाला। आहा। सरदार ज्यादा नहीं चीखा करो, कल भी तुम्हारा फेफड़ा निकल गया था। वो मेरा फेफड़ा नहीं, मेरा मोजा था, मैं गलती से मोजा खा गया था रे। और ये दोनों। बात सुनो, इमरजेंसी पैदाइश। क्यों रे? तूने सरदार का नाम मट्टी में मिला दिया रे? क्यों क्यों क्यों? अरे सरदार आहिस्ता बोलिए, आपके गुर्दे चाइना की हैं। सीधा खड़ा हो जा। हैं? मेरी दवाइयों की बदलाइन लेके घूम रहा है। मेरी दवाई है? खामोश। मैंने इनसे कहा था कि अगर कहीं डकैती मारनी हो तो पाइपलाइन से चढ़ जाओ, कोई पहचानेगा ही नहीं, लोग समझेंगे गिरगिट चढ़ रहा है। लेकिन ये दोनों ने हमारा नाम मट्टी में मिला दिया। देखा देखा, सरदार अपने बाप की आवाज कैसी निकालता है। सरदार कैसी आवाजें निकाल रहे हैं आप? ये भी एक बीमारी है रे। मैंने एक दफा कुत्ते को काट लिया था। कुत्ता तो ठीक हो गया पर ये रोग मुझको लग गया। हमारे को भी सरदार एक मर्तबा कुत्ते ने काटा, फिर हमारे को दर्द नहीं हुआ, गुदगुदी हुई। क्यों? कुत्ते के दांत ही नहीं थे। सीधा खड़ा हो जा, आराम से सीने पे मारा करो, पता है क्या बैठना भी होता है आदमी को। तुझे पता नहीं मेरे को कितनी बीमारियां है रे। बहुत बीमारी है। क्या क्या है सरदार? मैं एक बात बता। हाँ।
तपेदिक, हाँ, काली खांसी, हाँ, पोलियो, हाँ, टीबी, हाँ, फिर सबे ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे को बीमारियां जो हमारे को है। क्या क्या है? किसी को बताना नहीं। नहीं, हमारे को बर्ड फ्लू है। सरदार झूठ बोलता है, इसको बर्ड फ्लू नहीं बद फ्लू है। आराम से खड़े हो जाओ, आराम से। हम क्या खून दे के आया है? खून दे के पता है मैं अपना इलाज क्यों नहीं करा रहा? क्यों? अबे कोई बंदा फंसेगा तो इलाज कराऊंगा ना यार। कोई बंदा ही नहीं फंसा। सरदार इतने तो फंसा के लाई हूं मैं। है? और क्या? आपसे कोई मिलना चाहता है? मेरे से कोई मिलना चाहता है? जाओ जाओ लेकर आओ, जाओ जाओ तुम भी जाओ, उसको लेकर आओ। रीवा जी सरदार, तुम अंदर जाओ। क्यों सरदार? पर्दा बहुत जरूरी है। पर्दा? हाँ जाओ। चलो जाओ, हम आ रहे हैं। तुम सब भी जाओ, जाओ काम करो, काम करो, जाओ जाओ। चलो चलो। आज तेरी तबीयत खराब है। तेरी तबीयत खराब है? लोग ऊपर से फैलते हैं तो नीचे से फैल रहा है। जाओ। बंदूक लेके खड़ा हुआ है, गिटार लेके खड़ा हुआ है। चलो जाओ अंदर। बताओ दुनिया ऐसे जुआन हो रही है, ये ऐसे जुआन हो रहा है? आराम से खड़े हो जाओ दाई। चलो सरदार, मुनाफे का सौदा है इनका। सरदार ये नग हमको बेचना चाहता है क्योंकि इनके सरदार को पैसों की जरूरत है। 3 लाख में इनके घर वालों से सौदा हो गया है, 2 लाख में हमको बेचना चाहते हैं। बैठे बिठाए 1 लाख का मुनाफा। ये नग है? हाँ। सारे नग के इधर जमा किए। ये ट्रे है सरदार, इधर रख के हम लोग चाय पी सकते हैं। 1 लाख का फायदा सरदार को, 1 लाख का फायदा। लेकिन सरदार ये नग खरीदना नहीं। क्यों क्यों क्यों? इतनी बड़ी अंगूठी कौन बनवाएगा? खामोश। तुम जाओ बात सुनो। बाबरची जरा। अरे ये तो चलता भी है। ये कौन है जो पहले पेट के सहारे से चलता है? बात सुनो बाबरची। हाँ जी। जरा इसके दांत और इसकी चाल तो चेक करो। क्या बात कर, तुम नग खरीद रहा है कुर्बानी के लिए? दुम्बा खरीद रहा है? सीधे खड़ा हो जाओ। सीधे खड़े हो जाओ, पर्दा हटाओ, चेहरा दिखाओ, पर्दा हटाओ। मेरे ख्याल से ये डबल सिम वाला मोबाइल है। एक मिनट बाबा, एक मिनट सबर करो बाबा, सबर करो। ये तो पप्पू चुम्मी है। अरे वाह अरे वाह बाबरची। अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह, कोई अच्छा मुंह दिखाना। ये देख लाहौल वाला कुआं। अरे ये तो वही है मनुष्य मुंह। क्यों? मेरा मुंह देख कर तेरा बाप मरा था क्या? बाप नहीं मरा था, मेरा कुत्ता मरा था। बात तो एक ही है। कौन है रे तू? मैं है? कौन है? क्या हो गया है? कौन है रे पोलियो वाले आदमी भाई? हाँ? मुझे जाने दो। है? तू क्या इस एपिसोड में एज ए गेस्ट अपीयरेंस काम कर रहा है? तुझे जाने दे भाई। देखो मेरी लड़ाई में कोई नहीं आना, बता रहा हूँ। तू? हाँ चल भाई चल। है? सरदार को भेज चल। मैं क्या इसको शक्ल से क्या भंगी नजर आता हूँ क्या? अबे कहने की क्या जरूरत है बे? बे? अबे यार इसे यकीन दिलाओ मैं सरदार हूँ यार। क्या समझ रहा है, ये सरदार है, ये कोई गधे का बच्चा है क्या? आराम से। ये सरदार है? हाँ। सरदार है। यार इसको बाहर भेज दो यार, मेरी वरना हंसी निकल जाएगी। देख लो कि कुछ और नहीं निकल जावे। तू हंसी उसी चीज को कहता है। मुझे देख, मैं सरदार हूँ। क्या भाई मेरी लड़ाई में कोई नहीं आएगा? नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे भाई। तो इससे लड़ कौन रहा है? गौर से देख, मैं ही सरदार हूँ। तुम सरदार हो? हाँ, यस आई एम द गोबर सिंह। अच्छी इतना बदबूदार नाम गोबर सिंह। तेरी फरमाइश पे मैं रखूं? अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ओ भाई इसको समझा लो। क्यों? इसने मुझे गोली मारी। ओए कौन है ये जो मुझ पे 302 का इल्जाम लगा रहा है? गोली कब मारी है? अभी गोली मारी है। अभी मारी है गोली? कब मारी है? यार देखो इसने मेरे पे मिसाइल मार दिया। मिसाइल कब मारा है तुम्हारे पे? अबे यार ये क्या चीज देगा? अबे ओ भाई, ओ यार, ओ कोई बच्चा देगा हमें क्या? ए बकवास बंद करो, बकवास बंद करो भाई। नहीं करो, पता क्या जाओ इधर से भाई। बोलो
भाई यार पता है क्या हमारी हंसी निकल जाती है यार, नहीं करो सीधा खड़ा हो जा मेरिंडा के बने हुए आदमी, बोलो खामोश 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 क्यों हो जाऊं मैं भाई मेरा नाम है हाँ क्या है कमानी कमानी बाबरची जरा इसे चेक तो करो चेक करो आ जाओ बाबा अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ इधर ही चेक करो नहीं अंदर जाके ट्यूब क्या है अभी हमारे पे इल्जाम नहीं लगा देना खड़ा हो जाओ चेक करना है हाँ बैठो बाबा बहुत अच्छे इस पे एक चादर डाल दो चाय पीने के लिए टेबल तो आ गया है खड़ा हो वेरी गुड जरा चल के दिखाओ इधर ठीक है जरा इधर देख जरा खांस के दिखा मुंह पे खांस दिया मुंह पे खांस दिया है के मुंह पे खांस दिया उसके मुंह पे कुत्ता नहीं थूकता है सही बोल रहा है इसने मेरे मुंह पे कभी नहीं थूका हमारी बेइज्जती हो गई है नहीं करो दो दफा थूक आता है बात सुन हाँ जरा जंप मार के दिखा नहीं भाई मेरी नाफ उतर जाएगी नाफ का तो बहाना है बंदे में डिफेक्ट है क्या लेकिन बात सुन हाँ क्या नाम है रे तेरा कमानी कमानी तेरा अब्बा क्या मोटर मैकेनिक था जो तेरा नाम कमानी रखा कमानी तो कभी भी टूट सकती है तेरा नाम तेरे मुंह के हिसाब से होना चाहिए था मिस्टर बोनट भाई वो मेरे अब्बा ने जल्दी कर दिया ना कमानी तुम खड़ा हो जाओ एक तरफ यार तुम्हारे तो फुल बैटरी चार्ज हुआ हुआ है अजीब आदमी है अब्बा ने कल देखो अल्लाह माफ ऐसा लग रहा है मिस्र के अंदर बकरियां किराए पे देता है खड़ा हो जाओ इधर सीधा सीधा खड़ा हो जा भाई इसने मेरे को बस चढ़ा दिया अजीब आदमी है तुम भी तो नहीं करो सारा असला खत्म कर देगा ये सीधा खड़ा हो जा मेरे बाप भाई इससे ज्यादा सीधा नहीं हो सकता ना जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाता क्यों नहीं है जो चीज तकलीफ दे रही थी वो तो निकलवा दी जो डलवाई है वो तकलीफ दे रही है कसम से हम नहीं खेल रहे कसम खुदा की हम नहीं खेल रहे जाओ इधर क्या पहल दूज हो रहा है पहल दूज हो रहा है भाई वो सरदार है उसके मुंह लगो अच्छा सरदार भाई मुझे कहानी सुनाओ कहानी तू मैं क्या तेरी नानी हूँ तुझे कहानी सुनाओ भाई इसने मिसाइल फिर मार दिया ये कौन है हमारे को तो पता नहीं है भाई हम तो चाकू छुरी तेज करने आया है यार भाई तू कहानी सुनेगा और बैठो सुना दे उसको खुदा के लिए जरा बिठाओ मुझे अच्छा बिठाओ बिठावे हम पहला आदमी है जो पेट के सहारे चलता है कहानी सुनाओ कहानी कहानी एक बादशाह था एक बादशाह था हाँ भाई ये सुनी हुई दूसरी सुनाओ ये सुनी हुई है ये सुनी हुई है दूसरी सुनाओ कोई एक मदारी था भाई ये भी सुनी हुई है दूसरी सुनाओ दूसरी हाँ एक काम करो सरदार अपनी बाजी वाली सुनाओ ये सुनाओ भाई ये सुनाओ क्या हो गया चुप कर जाओ अरे वही वाली जो अपने बच्चों को वो सुनाती है बादशाह वाली रानी वाली कहानी सुनाओ रानी वो बोल रहा तुम तो एकदम कौन सी सुनेगा बादशाह की रानी वाली कहानी बादशाह की रानी वाली बादशाह की रानी होती नहीं बादशाह की बेगम होती है राजा की रानी होती है जैसे मेरी है अरे सरकार वो सुनाइए ना जिसमें आपको बहुत मार पड़ी थी सीधा खड़ा हो जा फिक्र नहीं करो सरदार अभी बात शहर से बाहर नहीं निकली है कहानी सुन हां जी ये भी सुनी हुई है भाई सुनाई का है सुनाई का है अभी सुनाई का है अच्छा सुनाई नहीं है नहीं अच्छा सुनाओ भाई अल्लाह तुमने वो देखा ना वो जोड़ने का जो होता है एरल डाइट उसमें इसका फोटो बना हुआ होता है दो रानियां थी भाई ये भी सुनी हुई है भाई दूसरी सुनाओ तूने क्या पूरी किताब पढ़ी हुई है तूने क्या पूरी किताब पढ़ी हुई है भाई इसको समझा भाई एक साथ सात मिसाइल मार दिए इसने हम तो बाबा पागल है हम तो कागज ढूंढने जा रहा है बाबा सुनो इसको अंदर ले जाओ इसको चने और डबल रोटी खिलाओ क्यों हाँ इसको ले जाओ चलो बाबा चलो चलो खुद ही से ले जाओ इधर टन हो जाओ जाना किधर है तो टन मारने के लिए भी सुवाच मारना पड़ेगा चलो बाबा चलो अंदर आओ बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ सरदार इसको इधर खड़ा रखो दूसरे वालों को भी इधर ही बुलाओ दूसरे वालों को भी इधर ही बुलाओ बुलाओ फिर दूसरे कैदी को पेश किया जाए ठीक है बुला रहा है बाबा गनी हाजिर हो गए बाबा गनी आ जाओ किसी को सपोर्ट कर बैठने भी दिया करो
आ जाओ बाबा, आ जाओ। क्या आ जाओ? क्या तुम किधर? तुम्हारे आराम के दिन है, सिविल में भर्ती हो जा। चल उधर जाके बैठ जाओ। तुम 24 घंटे अपना ठेला साथ ही लेके घूम रहा होता है। बात सुनो, सरदार खड़ा हुआ है, जरा इज्जत से बात करना। इसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। ए, नहीं, जरा तमीज से बात करना, अदब से बात करना उसके पास। अदब से? हाँ। ए! क्या हो गया, क्या हो गया यार? ऐसे ही जा रहा है सरदार के पास तो चप्पल उतार के जाओ। मजार पे जा रहा हूँ क्या? टोकन दे। है? टोकन दे। हाँ ये लो। वाह अरे वाह, ये है नंबर 9। अरे तुम्हारा इतना बड़ा मुंह। कायदे में से गिनती सही करानी पड़ेगी। जाओ और बिल्कुल जरा तमीज से बात करना, वरना सरदार की बेहुर्मती हो जाएगी। अदब से? अदब से। कमर नहीं हो उसकी तरफ? कमर नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। जाओ, आ जाओ ना। सलाम मालिक। सलाम मालिक, मैं क्या गांव का चौधरी हूँ क्या? ये क्या अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मुझसे रकम लेने आया क्या? जो सलाम मालिक कह रहा कौन है ये? सलाम मालिक। अच्छा सलाम कह रहा है? हाँ वालेकुम सलाम। ये बताओ घर में सब खैरियत से तो है? बच्चे बच्चे सब ठीक है ना तुम्हारे? सब ठीक ठाक है। हाँ बच्चे पूछ रहे थे मामू नहीं आया काफी दिन हो गए। इतना तू यार जी आया नहीं है, तेरी बहन इतना पूछ रही थी, बोले यार आया नहीं है, मैं जाऊंगी नहीं, सांगनी नहीं जाऊंगी। यार वो लाइट वाइट जाती रहती है ना, फिर टाके वगैरह। पता है क्या, तू है आया नहीं, हमारे है ना पानी की मोटर इतनी तंग करी है, लाला पानी चढ़ाता ही नहीं है यार, ये इतनी परेशानी हो गई हमारे। बात करने दो, हम लोग बहुत परेशान हो गए। बहुत परेशान, तेरे को बहुत याद करते हैं। मैं आऊंगा घर में बात करूंगा। क्या है तेरी भाभी? तुम्हारी मियां मां का मियां नहीं है, कस्टमर है हमारा ये। तुम सरदार है कौन है? अभी तू क्या रख के मन चले? इसके पेट में कीड़े हैं, ये दवाई पिला दो। अबे बात करो तुम। अबे किसको कह रहा पैसा लिया आदमी? तेरे क्या क्या हो गया? क्या बोल रहा है तू? किसको खबर है तो क्या मारेगा, क्या बदमाशी करेगा? ले मैं मार नहीं सकता, ले लेकर आकर हमारी अपनी है। हम लोग तो भाड़े पे लेके घूमते। ये तो जाओ। अच्छा किधर जाना, किधर है बोल तो सही। इधर ही खड़ा रहे। अच्छा दूसरे को पेश किया जाए। भाई एक मिनट भाई, तुम तीनों बातों कर बातें करो, मैं इतना बाहर से हो गया। बैठ जा, तुझे क्या मेरिंडा वालों ने स्पॉन्सर किया? लोगों के सेहत पे खाना लगता है, इसके सिर्फ पेट पे लगता है। बैठ जा, अब भी बोले बोल। कितने सरदार को डरा दिया, सरदार को डरा दिया भाई। इसको समझा भाई, इसने तोप मार दी। ये कौन है, इसको क्या समाज से लेकर आयो क्या? एक बात सुनो, तुम्हारे बेल्ट मारने से तो टेढ़ा नहीं हुआ। फिर तो मेरे को लगा था सही। माशाल्लाह मिस्टर कमानी। कौन? मिस्टर कमानी। इससे मिलो। कौन? मिस्टर बम्पर। इधर बैठना है। हाँ चलो तो बैठो। चलो सरदार बैठ जाओ इधर। मेरे साथ 5 रुपए नहीं है। क्यों इतनी बुरी दाढ़ी बनाई है? मुझे बिठाओ भाई, मुझे बिठाओ। खुद कुर्सी जैसा है, बोलता है मेरे को बिठाओ। अल्लाह माँ खुदा की कुदरत देखो, एक का पेट बड़ा है, एक का मुंह बड़ा है। टेंशन में नहीं आ, मेरे को आधे घंटे से मेरे पीछे यही पड़ा है। बावर्ची मन चले। बोल मेरी जान किधर चले? तेरे घर पे। खामोश। अच्छा भाई, दूसरे कैदी को पेश किया जाए। बाबा कश्ती हाजिर हो। वाला क्यों नहीं बोलता? वाला हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है। एक तुम हमारे को वाला भी नहीं है। एक बात बताओ जी, आज से आवाज दिया करो। क्यों? आदमी पता नहीं कैसे बैठा हुआ अंदर। चलो बाहर आ, एक बात सुनो। क्या? सरदार खड़ा हुआ है जरा तमीज से। क्या करना है? अरे मुसाफा करो। अच्छा हाँ ये लो, अभी लो। ये कौन आदमी है जो रबड़ की तरह मेरे को मिटा रहा है? मुझसे बदतमीजी कर रहा, मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं ये भुट्टा पका लूंगा। अल्लाह माफ करे, इसी ने तो मेरे को बोला था। अरे तो हमने तुमको बोला मुसाफा करो, तुम मेरे उसके मुंह पे रंधा मार रहा है। ये कौन है? सरदार है गोबर सिंह। अच्छा अच्छा, सलाम माय बाप। माय बाप यानी 2-in-1। तुम्हारे को मिल्लत फैन बना दिया है, दो तरफ से हवा देता है ना आगे पीछे से। नहीं बात की है। मुगल, मुगल। तेरी चप्पलें अंदर पड़ी हैं। खामोश। जब
कोई मर गया है क्या? टू इन वन, यानी हम में दो क्वालिटियां हैं। लाइन लगाओ, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ, लाइन लगाओ। अबे क्या खाना बटेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा नाप लेगा। नहीं, ये टोकन देगा। एक मिनट बैठो। टोकन? यार मैं क्या वीडियो गेम की दुकान खोली थी मैंने? अबे एक मिनट गोबर, एक उठाओ। ये तुम सही नहीं कर रहे रे। क्यों? मेरे से तूने यहाँ चप्पल रखवाया? हाँ, तो मेरे से टोकन लिया? हाँ। दूसरे ऐसे चले गए मजार पे, पांव पे जूते पहन के? ये तो गलत बात है यार, ऐसा नहीं करो। करना है सबके साथ एक जैसा सलूक करो। हाँ यार, ये तो होना चाहिए ना। एक बात सुनना गोबर मामू। हाँ। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ना, ये फटाके मेरे को देना, बच्चे सब रात में फोड़ेंगे। नहीं करो, इधर जंगल में एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। वैसे एक बात है सरदार, ये टोपी वाला नाता होगा, इसके पांव तो गीले नहीं होते होंगे। तो पांव की बात करता है, इसने एक साल से अपने जूते नहीं देखे। ये कौन सी बात हो रही है? जाओ चुप कराओ इनको। चुप करके बैठ जाओ। एक बात बताओ। हाँ जी। सरदार तुम हो या वो? नहीं सरदार तो वो है। तो फिर तुम क्यों हमें चुप करा रहे? सरदार हमारे को मारा, सही मार रहा है। सरदार मैं हूँ या तू? तुम है तो जाओ। ए, चुप करके बैठ जाओ। मैंने कौन सा लता का गाना सुना दिया? मैं तो काफी देर से चुप बैठा हूँ। सरदार इसने भी मारा, सही मारा। सरदार मैं हूँ या तू? नहीं तुम है तो फिर जाओ। ए, चुप करके बैठ जाओ। जब चार आदमी बात कर रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? कसम से सरदार इसने भी मारा, इतना तो हमको स्कूल में मास्टर ने भी नहीं मारा। इधर आओ। दादी जब बार बार वो समझा रहा, तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? सरदार कसम दादी, सीधा खड़ा हो जाओ। सीधा खड़ा है? बात सुनो मन चले। मन चले? मन चले क्या है? खामोश। खातून को पेश किया जाए। खातून पेश किया जाए। अच्छा, मतलब ये काम भी मेरे को करना पड़ेगा? मेरी जान करना पड़ेगा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी। देख लो कहीं ज्यादा आदत ना पड़ जाए। हा? अरे कुछ नहीं होता, एक साल में कोठी तैयार। और अगर कोठी नहीं बनी तो? कोठा तो तैयार हो जाएगा। मन चले। हाँ जी। खातून को पेश किया जाए इसकी। तुम्हारे घर से काम शुरू हो रहा है। अगर आप लोग बातें कर रहे हो तो हम लोग क्लिप्टन घूम के आवे। अच्छा ये आ गई है। पीछे हट जाओ। अच्छा मेरा भाई। वाह रे वाह, अच्छी है। तुम्हारी तो बच्ची है। बच्ची है, पाल के बड़ा कर लेंगे। तो ये है तेरी बीवी? बहुत ही जबरदस्त है रे। देखो छमिया, ये क्या है? क्या है? पिस्तौल। लेकिन इस पे कितनी गोलियां हैं? सरदार खाली है। शीशी खाली है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसमें कितनी गोलियां हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। तो मैं क्या करूं? देखो छमिया, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा मियां जिंदा रहे तो जल्दी से नंबर बताओ, अपने घर का एड्रेस बताओ, बताओ बताओ, तुम्हारा मियां क्या काम करता है बताओ? ये हाँ। सदर में टब के अंदर पानी भरकर कश्ती बेचते हैं। लानत है भाई, लानत है। कश्ती वाले बाबा को लिया? कुदर, हम तो समझा कोई बड़ा काम कर रहे। ये तो वही है, पीछे मोमबत्ती जल रही होती, टब के अंदर चल रही होती, पट 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 पट। ये कश्ती वाला बाबा और सेठ गनी के बराबर में बैठे। ये समझा बहुत बड़ा सेठ है यार। लेकिन छमिया तुम्हारी माँ तो बहुत अमीर होगी। अबे सरदार, बहुत पैसा है इसकी माँ के पास। बहुत पैसा है? तेरी माँ के पास बहुत पैसा, मजा आएगा, मजा आएगा। तुम दोनों इधर खड़े हो जाओ। जाओ। बस। अरे ओ सेठ कमानी, जरा इधर तो आ। रुक जा, लाल सिग्नल आ गया। बोलो। अपने घर का एड्रेस बता। अपने मकान का या किराए के मकान का?
अपने मकान का। भाई खरीदेंगे तो बता देंगे। क्या आदमी है यार, बात तो सही कर रहा है, जब खरीदेगा जब बताएगा। क्या हुआ? नंबर बता अपने घर का। मेरे ख्याल में 45 आता है। टेलीफोन नंबर बता। अच्छा टेलीफोन नंबर, निकालो मोबाइल। ठीक है भाई जान, नंबर लिखो। चलो पापा बताओ। बता रहे हो, नंबर बताओ, नंबर बताओ, लिखो। अरे यार ये अपना एंटीना उधर करो, नंबर बताओ। हाँ लिखो। लिखो नहीं, बताओ इसमें। अच्छा बताऊं? हाँ। शून्य है? सिफर। शून्य? हाँ। मुन्ने? अच्छा ठीक है। शून्य? शून्य। थ्री? थ्री। शून्य शून्य? शून्य शून्य। दो? दो। सिक्स? सिक्स। पंजा? पंजा। फाइव? फाइव। शून्य शून्य शून्य। हैं? ये तो बहुत सारे नंबर बता दिए, इस तरह तो मोबाइल फट जाएगा। मिलाओ मिलाओ, यही नंबर है। अच्छा हाँ हाँ सतार, बेल जा रही है। सही लफ्ज है, बेल जा रहा है। जाहिर वही 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 बात करो। हेलो, सेठ कमानी का घर है ये? जी हाँ। सेठ कमानी है घर में? नहीं नहीं है, आ जाएं। क्या हुआ? लानत है तेरे पे, वो वाकई परेशान है। मेरी वजह से? ये मेरे को नहीं पता। हेलो हेलो। सुन रही हो? हमने तुम्हारे मियाँ को अगवा कर लिया है। अरे ये तो वो हर महीने एक दो दफा करते हैं जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है। अबे हमें खामखाई बदनाम कर रहा, ले अपनी अम्मा से बात कर। हाँ भाई अम्मा, लाहौल वाला कुवत बेगम। जी भैया। भैया नहीं, मैं तुम्हारा मियाँ बोल रहा हूँ, कमानी। वो ये अगवा कर लिया डाकुओं ने मेरे को, सच्ची मुच्ची में अगवा किया है। अच्छा हाँ, तुम एक काम करो, 3 लाख रुपए इनको देके ना मुझे छोड़वा लो। अच्छा 3 लाख में अगवा किया है? हाय इतना महंगा सौदा किया है, इतने में तो। खैर तुम अभी मत आना। अभी क्यों नहीं आऊं? समझा करो, आजकल मेरे खानदान वाले यहाँ रुकने के लिए आए। अच्छा खुदा हाफिज। समझ गया बेगम। समझ गया ठीक। क्या हुआ? वो आधे घंटे के बाद फिर फोन करेगी। आधे घंटे बाद तेरा ना हमारा नंबर कौन देगा? तेरा बाप देगा? वो डायरी में से निकाल लेगी ना। बहुत अच्छे, ये अड्डा नहीं है, यासीन मेडिकल स्टोर है, है? जो बाद में हमारा नंबर दे। ले जाओ इसे लॉकअप में और जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। चलो अंदर, चलो अंदर, ले जाओ। बंद करो। कोबर भाई हम लोग बैठ जाओ उधर। खड़ा रहे। अच्छा भाई एक सिगरेट है, मांगना नहीं। हमारे को सिगरेट मांगने आ रहा है? इधर आ, खड़ा। हाँ बोल। एक बात बताओ गनी भाई, ये तुम सिगरेट जलाता क्यों नहीं है? मैंने आजकल माचिस छोड़ी हुई। सेठ गनी जी। मैं गोबर सिंह, मेरी सुन। हाँ बोल बोल बोल। नंबर बता अपना। हैं? नंबर बता। मैं नंबर बताऊं? मैं मलंग बाबा हूँ, सट्टे का नंबर बताऊं? नंबर बता अपना, वरना गोली मार दूंगा। इधर से गोली मारूंगा, उधर से निकलेगी। नहीं कर यार, मैं सुराग वाला आदमी अच्छा नहीं लगेगा यार। अरे सरदार, इधर से गोली मारोगे इधर से निकलेगी। आप गोली मार रहे हो या केबल लगा रहे हो? नंबर बताओ, नंबर नंबर बताओ। लिखो लिखो नहीं बताओ। हाँ बताओ। हर आदमी बोल रहा है लिखो, बताओ। रीमा को बुलाओ। है? क्यों? उसको मेरे घर के सारे एड्रेस मालूम है। अरे इन्हें कहाँ कहाँ घुमाया हुआ रीमा को यार? नंबर बताओ वरना गोली मार दूंगा। रख लेना यार। क्या बताओ? 555 555 555 555 555। ये तो सिगरेट के 2 पैकेट हो गए। अच्छा नंबर बताओ, टेलीफोन नंबर। यार मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ। मैं सरदार, यार मैं सरदार हूँ यार, मैं तो चीखूंगा ना। नहीं यार इस तरह करेगा तो हम नहीं खेलते। आग लगी है, बुझाऊं भी नहीं। पहला आदमी है जो आग लगने के बाद भी इंजॉय कर रहा है। उनको नंबर बताओ। देखो एक तो इतना बड़ा मुंह लेके आ गया है यार, अभी अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, ऐसी मजाक नहीं कर।
चलो बताओ। 0300। हाँ ठीक है। 2222222222222 रहने दे अंगे जा रहे। 2222222222222 आगे तो तुम समझ ही गया होगा। मैंने खुद क्यों दिया 2222 इतना बड़ा मुंह। बताओ भी बताओ। चलेगी। हाँ। 0300 0300 924 924 1548 1548। यस इजी पता। अरे अभी नहीं है सफर को। हाँ सफर बेल जा रही है। बेल जा रहा है भाई। तुम्हारा जा रहा है हमारी जा रही है। बात करो। कैसे तू कर? तू क्या? मैं करूँ। हेलो कौन? तलमा। सलमा। मैं समझ गया सलमा। ये तू है ना मर्दाना आवाज में बात कर रही है। अच्छा हुआ तूने फोन कर लिया। हाँ पापा घर पे नहीं है। आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? लाना था तेरे पे। तेरे घर का भी यही हाल है। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे घर का ऐसा हाल हो कभी भी नहीं। मेरे बच्चे बहुत शरीफ है। दिखा एक मिनट मैं बात करता हूँ। बात कर। हेलो। हेलो कौन? जिकर। कौन? पापा। हम बोला था बेटा की है तू की है फर्स्ट क्लास मजे में। ये पापा उर्दू में बात कर। मेरे बेटे को मेमोरी नहीं आती। अच्छा। ये सब पड़ोसियों का कसूर है। तो बहुत आगे वो निकल गया अभी खबर ये घूम रही है। बता दू तेरे को मैं। चल जल्दी कर बैलेंस कम है इसमें। जल्दी कर जिकर। हाँ पापा। बेटा बात सुन। पापा क्या बात हुई? तू तो जरा सी बात पे घर छोड़ के आ गया। तो जरा सी बात थी। तेरी माँ ने मेरे को सालन के अंदर फटा हुआ आलू दी है। जरा सी बात है। मेरा रुकना बनता था घर के अंदर। ऐसा कोई कोई करता है किसी के साथ? एक मिनट जिकर। यार ना तो लिया कर यार। हाँ जिकर। हाँ पापा पता क्या? तेरी माँ ने ऐसा जाती की तो मैं निकला हूँ घर से। बेटा मेरा कभी भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं निकलूँ रीमा के साथ। नहीं चाह रहा था कि मैं घर से निकलूँ। ये पापा ये तेरे जाने के बाद ना कई लड़कियों के फोन आए। मेरे लिए? नहीं मेरे लिए। लानत भेज लड़कियों पे। ए पापा आप भेजो तो मैं लानत भेजता हूँ ना। शाबाश है। मेरे को बाप रहने दो। मेरे को कोई और काम नहीं सिखाओ। जिकर मेरा बेटा मेरे को इन्होंने अगवा कर लिया है। इनको पैसे दो या मेरे को छोड़ देंगे। ये लो आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। तेरी तो साफ आवाज आ रही है। अभी अगले हफ्ते तो तेरे कान ठीक कर रहे हैं। ए बात सुन इनको पैसे दे दे मेरे को छोड़ देंगे। ये लो आवाज नहीं आ रही। इनको पैसे दे मेरे को छोड़ देंगे। ये आवाज नहीं आ रही। मेरा बेटा है ना मजाक करता है कंजूस है थोड़ा। बेटा जिकर। हाँ। तेरे को 500 रुपए चाहिए मैं तेरे को देता हूँ। आ रही है आवाज। हाँ पापा एक बात है। हाँ। इन डाकुओं से मेरा जिकर भी करते रहे ना। हाँ, कर रहा हूँ जिकर। बेटा इनको पैसे कितना पैसे चाहिए? मंजिले। कितने पैसे बोलूं? कितने पैसे बोलूं? 20 लाख बोल दूं? नहीं नहीं 20 लाख तो बहुत हो जाएंगे सरदार। फिर कितने? 10 लाख बोल दियो। 10 लाख? 10। इतने में 10 बाप आ सकते हैं। ये पहले एक बाप को तो लिया। ए पापा ये पैसे कुछ कम करा। मैं कराता हूँ बेटा। ऊपर की 2-3 रुपए कम कराता हूँ। यार भाई 10 लाख तो बहुत है यार। ऐसा नहीं करो यार। कोई ऐसा व्यापार में ऐसा करता है यार? क्या करूं? कमीज के अंदर हाथ रख के गिनती करते हैं ना। हिसाब किताब करते हैं। जैसे सब्जी मंडी में कोई कम कर ले पैसे। कम कर लूं? तू क्या परचून की दुकान पे आया तो कम कर लूं मैं? ए जिकर ऐसे एंजॉय कर रहा हूं। टेम्पो कितने में पड़ा? ये तो बिल्कुल मुफ्त में पड़ा है अपन को। अच्छा हाँ तो फिर कितना बोल दो? एक काम करो 5 पेटी बोल दियो। 5 पेटी? 5 पेटी बस। सुन 5 पेटी जिकर। हाँ पापा। बेटा घर के अंदर जो पुरानी पेटियां है ना 5, हाँ उसमें से कपड़े वपड़े निकाल दे और सारी की सारी 5 पेटियां इधर लेके आ जा। ठीक है। मैं पेटी की नहीं 5 लाख की बात कर रहा हूँ। 5 लाख जिकर। हाँ पापा। पेटी नहीं वो लिया ना 5 लाख रुपए। हाँ बेटा 5 लाख पापा। हाँ 5 लाख। ठीक है पैसे लाने का है। एक मिनट मैं पूछता हूँ। एक मिनट तेरा चाचा है ना से बात करता हूँ। एक मिनट तेरा भतीजा पूछता है कि लाने किधर है। भतीजा मेरा? हाँ। मैं जिकर जरा तम्मी से बात कर रहा है। तेरा चाचा है ये गुमशुदा है समझा? ये गुम हो गया था पहले कुंभ के मेले में। ले बात कर। अस्सलाम वालेकुम बेटा कैसे हो? ऐसा खूबसूरत जवान है तू जिकर को देखा नहीं है? ऐसा बम्मड आदमी है। कैसे हो? मैंने मतलब मंगनी बात तो कर लेते। फूर के छोकरी के साथ मंगनी की। फूर के मैंने कोई बायोडे का नहीं मांगा तेरे से। हाँ बेटा छोकरा यार बात करने दे। शरीफ छोकरा उम्र पे जा रही है बता रहा हूँ यार।
घर से तू क्या पर्चा लेके निकला? हेलो चाचा, मेरे अब्बा का बहुत ख्याल है। डाकू कैसे, तू कैसे, सब खैरियत से, सब याद है? तू बीमार तो नहीं है? खांसी तो नहीं है पापा? ये भी क्या चलती गाड़ी है क्या बेटा? आप सीएनजी पर खड़ा हो, एक मिनट मेरी बात तो सुन बेटा। तो अपने घर का ख्याल रखती है बेटा? हाँ, खाने पीने का ख्याल रखना, अम्मी का ख्याल रखना, दरवाजा बंद बंद करके सोना है। रुकैया को बोलना एसी कम चला यार, बहुत ठंडक होती है, उसके पाँव में दर्द होते, फिर बहुत मसला हो जाता है। रुकैया को यार, तू अपनी बात को बोलने में सांस भी नहीं ले रहा है। बोलो, मामू बात करेगा? मामू बात करेगा? ला बाबा। अरे बेटा ठीक करे बाबा, खुश है? बाबा हम गोट से आने वाला है, तुम्हारे लिए गन्ना कोई मिठाई मिठाई लेके आवे क्या? मिठाई मिठाई लेके, तुम्हारा मामू बोल रहा है। मैं मामा दफा हो जाओ। ऐसा लड़का है, इतना तुम्हें बात यार पहले बात करने के खत्म हो जाएगा। तो तुम भी रिश्तेदारियां कर रहे हो, बात करो उससे। हेलो हेलो बेटा। हाँ चाचा। हाँ हाँ, क्या हाल है, खैरियत है ना? हाँ बेटा, देख मैंने ना तुम्हारे अब्बा को अगवा कर लिया है, तो तुम 5 लाख रुपए मुझे दे देना है। हाँ ठीक। देखो 5 लाख तो मुझे एतबारे के 5 लाख तो आ ही जाएंगे। पहले इसमें 100 रुपए का बैलेंस डलवा दियो बेटा। हाँ बैलेंस खत्म हो रहा है। ठीक है चाचा, पैसे लेके आ जाऊंगा। जगह तो पता कहाँ है? जगह जगह मैं तुम्हें फोन करके बाद में बता दूंगा। वो तो एक बात ख्याल रखना पापा। हाँ? मेरे पापा का बहुत ख्याल रखना। हाँ? दिल का मरीज है वो। हाँ, मुझे पता, रीमा को पहले ही दिल दे चुका है। हाँ, वो मेरा बाप नहीं, बाबा रली है। ये ले अपने बाप से बात कर बेटा। बस ज्यादा बात ना कर पा रहा। नीचे उर्दू की पट्टी तो चला। अच्छा खारा दर की गर्मी लगी इसमें, तो इतनी लंबी बात करोगे तो फोन तो गर्म होगा ना। ये लो मेरा है, मेरा है। ठीक है, बात सुनो बाबरची। हाँ जी। अब ये सेठ गनी हमारा खास कैदी है रे। सही बात है। इसका ख्याल रखना है, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है रे। ये हमारी बहुत ही मोटी असामी है। जाओ ले जाओ इसे। आओ बाबा, आओ आ जाओ, तुम्हारे लाकब में छोड़ के आ जाओ मेरे भाई। अब इतनी दूर जाएगा कौन लाकब में? मेरे टांग में दर्द होता है। टैक्सी लाओ। अच्छा, अभी टैक्सी भी हम लावे? तो यार ये तो क्या लाने के मेहमान है, उधर तो पैदल जाए। अरे बाबा टैक्सी की क्या है, हम खुद है नहीं। फिर मैं एक काम करता हूँ। क्या? मैं इसकी कमर पे बैठ के अंदर चाइना की है। चाइना की नहीं, एक एक करके बैठो। सरदार सरदार, 5 लाख तुम ही रख लो, तुम ही छोड़ के आ जाओ। 5 लाख रुपए चाहिए? छोड़ दो, आ जाओ। मरा है, 5 लाख मिलेंगे। 5 लाख है, 5 लाख वाला नहीं ना। लेकिन सेठ गनी मुझ पे रैंक खा, मेरे पास एक ही पेंट है। चलो मेरे काम कर दो, मैं खुद चला जाता हूँ। इधर नहीं रहूंगा, मेरा कमरा चेंज कर देना। अरे आप सरदार के कमरे में रहो ले। हाँ, अभी हम इधर जाना, मेरा सामान पड़ा लेना। ठीक है, वो सब उठा के आ जाओ बाबा। आ जाओ, ओके जाओ बाबा जाओ। कोई तकलीफ हो खादिम को याद करना। बिल्कुल मेहरबानी। कोई बात नहीं की मुँह के बारे में जी, कुछ नहीं। चला गया पहला कैदी है, जो खुद ही क्यों देता है। कश्ती आओ। कश्ती वाला? हाँ हाँ, वाला भी है लेकिन वाला नहीं है। आ जाओ। और जरा सरदार इज्जत से बात करा करो मेरे से। क्यों यार, नई नई शादी होगी, बीबी के सामने इज्जत तो रहे मेरी। बाद में बेइज्जत कौन होगा, बाद में बेइज्जत कौन होगा। इधर आओ छमिया। तू नहीं छमिया बोला है, गुरु नहीं, पीछे हो जा। कपड़े तो देखो, इसको क्या रोबन नील वालों ने स्पॉन्सर किया है। कितने के कपड़े आए हैं ये? 5,000 के। हाँ सही बात है, तुमने तो नहीं दिलाए होंगे। नहीं मैं नहीं दिलाता। सही बात है, जिसकी मोटरसाइकिल बिकी होंगी उसी को पता होगा। समझा? 10 गाड़ियां देके ये भी नहीं समझा था। अच्छा तुम्हारा मालूम है? नंबर बताओ, नंबर बताओ। किसका? मोबाइल।
लिखें? हाँ, नंबर लिखो, इधर दो। अच्छा हाँ, बताओ। 03 तुम्हारा ही है ना? मेरी मम्मा का है। अपना बताओ ना। बहुत अच्छे, तुम तो ऐसे लाड कर रहे हैं जैसे गांव से तुम्हारी छोटी बहन आई है। सीधा बहन से लाड कर रहा है, बहनों को ऐसे इधर रखा हुआ है। क्या यार ये क्या? सरदार तुम नंबर पूछो, तुम नंबर उधर नंबर बताओ। 0300 0300 420। कौन है आप? 420 9211। ये कैसा नंबर है रे? पता नहीं, ये मेरे ख्याल से रोजाना घर से भागती होगी। हाँ। जानू, ये नंबर कब आया तुम्हारे पास? ये मेरे बॉयफ्रेंड का है। कोई बात नहीं, ब्रॉड माइंडेड। अब तो आदि हो गया होगा। हाँ। हेलो हेलो हेलो, आपका मतलूबा नंबर फिलहाल मसरूफ है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर के बाद ट्राई करें। अबे यार, इसमें तो लेडीज की आवाज आ रही है, वो कह रही है थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करें। अबे मेरी साली होगी। हाँ? एक मिनट, हमारे को बताओ। टेप चल रही है। टेप? हाँ। यानी हमारा फोन टेप किया जा रहा है? दूसरा नंबर बता। लिखो। बहुत अच्छे, लड़की ने बोला तो खुद ने ले लिया, ये बोले तो हम लिखें। अबे मैं सरदार हूँ यार। बहुत अच्छे सरदार। चलो पापा बताओ। लिखो नहीं बताओ। अच्छा लिखो। 0300। हर आदमी जीरो से शुरू हो रहा है। इसका तो बनता है, देखो। नंबर बताओ तो बोलो बाबा। 0300 0300 3535 5 6 5 6। छोटी है बड़ी है? छोटी वाली को तो देख लिए, बड़ी को देखना है। सबर करो अभी। हाँ, बेल जा रही है। बेल जा रहा है वही। हेलो, सीमा की माँ बोल रही है। अरे हाँ बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है? मैं मैं डाकू बोल रहा हूँ। डाकू? अरे तो साफ साफ बोलना, मेरा दामाद बोल रहा है। बात तो सुनो अम्मा। ए हेलो अम्मा, बात सुनो मेरी पप्पो, कसम खुदा की मेरे को क्यों बुरा भला कह रही है? मैं तुम्हारी बेटी को थोड़ी लेकर आया हूँ, ईमान से। मैं नहीं लाया हूँ, ये लेकर आए। मैं तो अपनी बीवी को कहीं लेके नहीं जाता, कोई उसको लेके जाए तो मना भी नहीं करता। हेलो हेलो, ले अपनी सास से बात कर। अम्मी? हाँ। अबे माँ बहन की गालियाँ दे रही कसम से। हाँ? अस्सलाम वालेकुम सास अम्मी। तेरा बेड़ा घर को सत्यानाश जाए, मर्दूद मारे, कहाँ ले गया मेरी बेटी को तू? अरे अम्मी कहीं लेके नहीं गया, हम दोनों अगवा हो चुके हैं। तुझे शर्म तो ना आई? मर्दूद मारे अकेले अकेले हनीमून पे निकल गया, झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि सासू मत चलोगी। अरे अम्मी आपसे मैं क्या पूछता, ससुर अब्बा तो पहले ही मर गए हनीमून। एक बात सुनो, हम दोनों अगवा हो गए हैं। हमें नहीं मेरी बेटी का बोल। मर्दूद मारे दौलत के लिए तुमने किया है ना ये सब कुछ, ऐसे ही कह देता कि सासू मां मुझे पैसे चाहिए, ये अगवा करने का ड्रामा क्यों किया तूने? अच्छा आप झूठ समझ रही हो ना, ये लो सीमा से बात करो, ये लो डार्लिंग बात करो। मेरी तारीफ करना, बहुत बुरा भला कह रही थी। हेलो हेलो मम्मा। हाय मेरी बच्ची। मम्मा हमें डाकू ने सच में अगवा कर लिया है, ये ले सरदार से बात करें। दे उस मर्दूद को फोन। किसको? आपके दामाद को? आए हाय नहीं, सरदार को। मूड तो अच्छा है ना? हेलो अम्मी। क्या नाम है आजकल तेरा? मैं गोबर सिंह। क्या चाहता है तू? मैं तावान। क्या तावान? कहाँ मिलता है ये? क्या ईदगाह पे मिलता है? मैं तावान मांग रहा हूँ, ताफ्तान नहीं मांग रहा हूँ। क्या इंडिया वाली बीमारी? अबे यार वो तो टाउन की बीमारी थी, मैं तावान मांग। अबे कहाँ फंसा दिया मेरे को? तो तुम भी तो अंग्रेजी में बोलो। हा? उसको बोलो तावान ही बोल दो, छोड़ो दफा दो। तावान मांग रहा हूँ। देखो बात सुनो, हमने तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद को अगवा कर लिया है और उनकी कीमत है 4 लाख। 4 लाख? हाय हाय ये तो बहुत हो गए। तू एक काम कर, 2 लाख रुपए ले ले, मेरी बेटी को भेज दे। और दामाद क्या करूं? अपना दामाद बना ले। बहुत अच्छी,
शेर शाह का सामान मैं इस्तेमाल करूं? बात सुन, टूट फूट नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम तो मेरी दुकान से सोफा सेट खरीद रही हो ना। खुदा हाफिज। हेलो, बंद करो। मेरा है, मेरा है। हाँ याद आया, तेरा ही है। मेरा है। अब हमारे लिए क्या हुकुम है? तुम्हारे लिए बात सुनो। हाँ जी। ये भी हमारा खास आदमी है। इसके साथ तो नहीं रहूंगा। मेरे को सुपर हाईवे पे अल मंजर होटल में रुकवाओ, अल फिरदौस में रुकवाओ, अल कोसर में जहाँ लाल रंग का कूलर पड़ा होता है, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। मेरी बात सुनो ना, मैंने किया क्या? मैंने सिर्फ करवट ली ना। तो तू लेना, इसको काय को लेता है करवट? वो तो आदमी एक साथ करवट लेते हैं, पेट के बल सोया, मुंह भी ऊपर, टांगे भी ऊपर। मैंने कहा ये कौन सा झूला बनाया? ओबे ओबे ओबे, तू हमारे कस्टमर खराब कर रहा है। हमारे कस्टमर क्यों खराब कर रहा है यार? इसको समझा लो यार, देखो इसको समझा लो। खुदा की कसम, मेरा दिमाग घूम गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तू पीटेगा मेरे हाथ से। मैं को पीटूंगा? क्या बच्चा बन, इंसान का बच्चा? सीएनजी के पंप पे भेजो। क्यों? गैस तो कम हो। बिल्कुल नहीं रहूंगा मैं इधर, समझे? रिश्तेदारी अपनी जगह। तू मेरा बच्चों का चाचा है, ठीक है, मेरी बीवी तेरी भाभी है, अपनी जगह रिश्ता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, मेरे को कहीं और शिफ्ट करा दो, किसी और डाकू के घर भेज दो, या मैं खुद चला जाऊंगा उसको 5 लाख रुपए देकर चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, सीधा खड़ा हो जा। तेरी वजह से हमारे कस्टमर खराब हो रहे हैं, तेरी वजह से। भाई मैं बता रहा हूँ, कप्पर से मेरा फड्डा होगा, कोई बीच में नहीं आएगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कोई बीच में नहीं आएगा, तेरी औलाद ही बीच में आएगी। बात सुनो, बात सुनो। नहीं यार, अपनी रिश्तेदारी अपनी जगह। मैं तेरे को जिक्र की शादी में दावत दूंगा अपनी जगह पे, लेकिन ये नहीं, अपने को नहीं पकड़ो साहब। अब नहीं होगा ना यार, मान जाओ ना यार, मान जाओ ना यार। ऐसा थोड़ी होता कि मेहमानों के साथ कोई ऐसा करता है। नहीं नहीं, चल ना यार कहीं, चल इतना बड़ा मुंह लेके अब नाराज हो रहा है तू? चल, तू बोलता तो माफ किया। और सुना भाभी, ठीक है? हां यार, किसी से ठीक है? मान जा बाबा, छोड़ दे ना गुस्से को, थूक दे। आप बताओ, आप मारना है इसको? मेरे को मार ले। क्या बरकती जूती है यार, मजा आ गया। ये क्या अकेले अकेले उसको मार रहे हो? मैं नहीं हूँ, मैं तो सरदार हूँ, मुझे भी मारो। इतनी आराम से, ये 5 लाख वाली तो नहीं है, जोर से मारो ना। ये तो बहुत ज्यादा जोर से होगा। 5.5 वाली मारी है। हां 5.5, इतना मजा आ रहा है 5 लाख वाली में। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। भाई तुम लोग मार रहे हो, मैं ना मारूं? अबे तेरे से तो हमें 2 रुपए का फायदा नहीं। मारो मारो, बुलाओ सारे साथी, अंदर आओ, आ जाओ। कहां हो? हमारे साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐसे करेगा तू, कस्ती वाले। बड़ा मजा आ रहा तेरे को, इसने फालूदा खिलाया, मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद टीवी देखा भाई। देख लिया? हाँ। चल अभी तू चला जा, चल दूसरों को देखने दे, चुप करके देख। चल यार बस कर दे, टांग सो गई ये। अरे कश्ती मैं दबा रहा हूँ, उसे फीडर पिला रहा हूँ। कश्ती वाला। अच्छा एक बात बताए, एक केमाड़ी के मनोड़े का क्या लेते? सीधा बैठ। ये लीजिए, ये लीजिए। तेरी टांग सो गई है? हाँ। चल इसको सुला, सुबह स्कूल जाना है इसको। भाई वो लगाओ, वो अपना 15 नंबर। 15 नंबर नहीं, मलीर 15 लगाऊं? चुप करके बैठ। अच्छा आज में कहा बच्चा बन, क्या बोल रहा तू? मैं ये कह रहा हूँ, ये आवाज बंद करके टीवी क्यों देख रहा? भाईजान आजकल आवाज बंद करके देखना पड़ता है, घर के अंदर अचानक कोई भी ऐसा चैनल आ जाता है, इसलिए समझा करो। अरे वाह वाह, अरे यही रोक दे। क्यों? वो तुलसी आ गई, तुलसी। ऐसे बुड्ढे होते हैं ना, ऐसे बुड्ढे। हाँ। रात को 4-4 बजे तक तुलसी को देखते हैं, फिर फुड़क के मर जाते हैं, फिर घर वाले कहते हैं बड़ा नेक आदमी था, फजर के वक्त अजान के टाइम पे इसका दम निकला है। चुप करके बैठ। नहीं चुप करके बैठ। उड़ी उड़ी उस्ताद, ये आदमी कुछ करेगा जरूर। उड़ी उड़ी ये करेगा, ले भाई चौका। मैंने
सबके लिए सस्पेंस रखा था तो बीच में खोल के रख दिया कि क्रिकेट का मैच आ रहा है। चुप करके देख, शोले फिल्म आ रही है, चैनल पे दिखाता हूँ। अच्छा, इतने आदमी थे सरदार, दो आदमी थे। ये अपने सरदार की नकल कर रहा है। जाहिल के बच्चे, तुम्हारा सरदार इसकी नकल करता है, ये ओरिजिनल आदमी है गब्बर सिंह, तुम्हारा सरदार है गोबर सिंह। चुप करके बैठ। गोबर नहीं है, उसका इंग्लिश में नाम है गोबर। एक मिनट बंद कर इसको। हाँ। बंद कर टीवी। ठग ये सरदार किधर गया हुआ है? किधर है सरदार? अरे यार गनी भाई, तुम भी भूल गए क्या? सरदार से तुमने फरमाइश नहीं की थी क्या कि हमको डांस देखना है? हाँ? तो गरीब का बच्चा गया है ना इंतजाम करने के लिए, अभी तक डांसरों को लेके नहीं आया यार। अच्छा भला हमारा सरदार था, आपने पता नहीं किस काम लगा दिया। नहीं भैया, तुम लोगों से हमारा बिजनेस बनेगा ही नहीं, हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, किसी और डाकू को बोलते हैं हमको अगवा कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, भाई भाई चला भी गया उसके साथ यार, दोनों नजर नहीं आ रहे। अरे एक रकासा को पकड़ने में क्यों सी देरी लगती है, उठा के ले आ, रक्स कराओ, चले जाओ। सेठ खानी आने वाले हैं, खुले करवा लिए। चार चार आदमी मेरे को दबा रहे, मेरा कंधा है क्या खजाना है? एक हाथ इधर दे दो ना, इधर भी कोई दबा लेगा। चुप करके बैठ यार, चुप करके बैठ। तो अभी मेरे को ये बताओ जी जी, कि मंचला और ये सरदार लड़की को लेने गए जी 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 जी, अभी तक नहीं है जी, क्या कर रहे हैं अभी? अरे थोड़ी देर इंतजार करें। मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरे को डांस देखना है, मैं इस टाइम डांस देखता जरूर हूँ, 12 बजे मेरे को डांस देखना जरूरी है। जब तक वो नहीं आता, इन बच्चों का डांस देख ले, इन बच्चों का। चल बे, शाबाश है, हम रेस गाड़ी का डांस देखेंगे। अच्छा मैं दिखाऊं अपना डांस? नहीं नहीं, तेरे ऐसे डांस करने वाले दिन नहीं है, आराम करने वाले दिन है। बिना रे चुप करके। वैसे यार सही बोल लो, बहुत देर हो गई है, मेरा भी मूड खराब हो रहा है, मैं भी डांस देखने के मूड में हूँ यार। तो तेरे को दूर जाने की जरूरत नहीं है, भाभी को आवाज दे, अभी देख लेते। बहुत अच्छे, तूने बताया नहीं, तूने अपनी सास को भी बुला लिया।
वो नहीं है काजल की डिबिया वाली कलोपत्रा। मैं औरतों की अंडर ट्रेकर। अंडर ट्रेकर मुझे पहचानो क्या? राखी सावंत। राखी सावंत है, डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा। बोले डॉक्टर साहब मैं खूबसूरत होना चाहती हूँ तो नहाते वक्त क्या लगाऊं? डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं लगाओ, सिर्फ कुंडी लगाओ। क्या नाम है तुम्हारा? राखी सावंत। मुझसे मिलो अभिषेक। अभिषेक बहुत अच्छे। अभिषेक इधर देखो, अभिषेक। सॉरी भाई मेरे को मजा नहीं आया। क्या बात कर रहे, इतनी आग भरी हुई है इसके जिस्म में, आपको मजा नहीं आया? नहीं नहीं भाई, क्या फायदा बीड़ी जलाने का? ले इनकी वजह से तो मैंने दाढ़ी वाड़ी सब इनकी वजह से तो मैंने दाढ़ी वाड़ी सब साफ कर दी। तो तुम्हारे को भी तो शर्म। मैं बोल रहा था एक रेलसल कर रो, देखो नच बल्ली से बाहर हो गए। इनकी आवाज से लग रहा है ये तो वही है सरदार मंचले। अबे तुम लोग। हाँ। तो क्या करें, हमको लड़कियां मिली नहीं, हम अपनी अम्मी के फराद पहन के यहाँ पे डांस शुरू कर दिया। तुम लोग क्या बोले थे नच बलिया से बाहर हो गए? नच बलिया के से बाहर तुम लोग जब हो गए, जब ये जज तीन जज फैसला करेंगे, शेखर सुमन, जावेद अख्तर और ये सिद्धू। सिद्धू ये कौन? शेखर सुमन ओरिजिनल गेटअप में। वैसे देखे आपने तो डांस बहुत बुरा किया है, और वो जो है आपके साथ वो जावेद अख्तर साहब कुछ ले में थे वो। हाँ लगा कर, मैं तो अभी धार लगवा के आई हूँ। वो ले में थे, मैं भी ले में आ जाऊंगा, बस शुरू शुरू का मसला है ना। बस बात ये है कि ये ले दे वाली बात हो रही है, ये हमारे सदस्य बारह है, इनको जो दास करना था वो समझ में आई, थोड़ा सा रिदम से आउट हो रहे थे यार। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिदम भी लेना लाजमी है। हाँ। क्योंकि हमारी वाइफ वो शबाना आजमी है, तो आप आपको ये बताएंगे सिद्धू भाई। मजा आ गया गुरु, गुरु भाई, वाह गुरु। 10 नंबर भी है, नंबर दे दो, ये नंबर के परफॉर्मेंस अच्छी है गुरु। हाँ। तुम्हारे लिए नंबर है 0। हाँ। ये जिसे भी देते हैं 0 ही देते हैं, इनकी गुंजाइश नहीं आगे देने की। तुमने 0 दिया, 1 मैंने लगा लिया। ठीक है शेखर सिंह, आप क्या दोगे इनको? मैं तो छोड़ो, नगद दे दो, दर दफा करो। वैसे आप क्या देंगे? मैं दिल से आ रहा है कि उन्हें टर्न करके पीछे 2-3 लाते दे दूं। समझ में नहीं आ रही इसको। अबे यार ये कौन है ड्रैग आर्टिस्ट, ड्यूरेशन बढ़ा रहा है कमाल। ये किस तरह की बात कर रही है? मजा नहीं आ रहा भाई। हाँ? मेरे को मजा नहीं आया, मैं यहाँ से जाता हूँ। इस तरह कारोबार नहीं होगा तुम्हारा। डांस या कोई डांस के बैठ कर डांसता है तू? इससे तेरे से तो अच्छा तू नहीं, अभी देखा नहीं है। हाँ? समझे, इसकी घरवाली को डांस करते देखा नहीं है। क्या क्या हमारे पास एक से एक आइटम पड़ा है। लेकिन हम लोग क्या 5 लाख रुपए देके तुम लोगों के मुझे नहीं देखेंगे? हम लोग दोबारा प्रैक्टिस कर लेते। दोबारा चल भाई चल, एक दफा ही बहुत है तेरा तो डांस। लेकिन जान जाने की बात नहीं करो, आपके लिए हमने ओरिजिनल डांसर मंगाई है, लेकिन उनको आने में जरा लेट हो गई है। ऐसा तो नहीं यार, ये अपना कोई आदमी किसी का ख्याल तो करे, कैदी होगा तुम लोग इस तरह करते हो। हम लोग जिक्र को फोन मिला, बोले यार तेरा चाचा बात करेगा तेरा बाप। भाई देखो इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता, बता रहा हूँ। पैसे खुलने भी कराए मैंने, और ये पैसे का नुकसान हो गया ना, पैसे लुटा भी नहीं पाया मैं। एक बात बता भाई, हम दोनों तो पैसे दे रहे, ये पैसे दे रहा जो इतना फैल रहा है भाई, इस तरह नहीं होता भाई। चलो इस तरह नहीं होता, उस तरह तो होता है। अगर दिखाना है तो कोई बरोबर प्रॉपर डांस दिखाओ। बीड़ी जलाई ले, तेरे बाप ने ऐसा कभी जलाई है बीड़ी? दो बीड़ी क्या के? तू बात कर, तुम खुद ही बात करो, मेरा मत्था घूम गया है। इसको लोबान की धुनी दो, इसका मत्था ठिकाने आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताए, किस टाइप का डांस देखना? इन बात को छोड़ो, पहले इसको देखो। क्या ये इतनी बुरी हालत बना, चुड़ैलों में भी सबसे बदसूरत है तू। क्या बात कर रहे हो, मुझे अगर ले जाओ मैं मुकाबला उसमें फर्स्ट नंबर आऊंगी। सबको इनाम मिलेंगे, तेरे को लानतें मिलेंगी। इंसान की बच्ची बन, डांस कर। नहीं भाई हमारा वो मजा नहीं आया, जिक्र को फोन कर यार मैं जाता हूँ। नहीं नहीं आप कौन सा डांस? ऐसा कोई था माधुरी वाला, ऐश्वर्या राय वाला, कोई ऐसा धमाके वाला हो, देवदास टाइप का फड़कीला फड़कीला। मजे मैं बताऊं? हाँ। मैं कोई तू ना बता भाई, तू भेजा तू किसी डॉक्टर को बता। तुम उधर बैठ जाओ, जब हम नाचेंगे ना तुम नीचे से नोट उठाना। कौन सा गाना? कोई ऐसा देवदास टाइप का कोई निकालो, माधुरी ऐश्वर्या राय का, तबीयत खुश हो जाए, मजा आ जाए। पार्टी है सरदार, अभी क्या करें। चलो ठीक है।
होना भी कितनी मुसीबत का काम है। हाँ, सेठ धनी का पैजामा 5 लाख। सेठ कश्ती वाले का पैजामा 4 लाख। ये सेठ कमानी का पैजामा, इससे 2 रुपए का भी फायदा नहीं है। इसका मैं पोछा बनाऊंगा। खिदमत कर करके थक गया। इनके 8 दिन पूरे हो तो मुझे पैसा मिले, पता नहीं कब 8 दिन पूरे होंगे। और क्या खिदमत करूं, क्या झाड़ू लगाऊं? झाड़ू बोली ते नखड़े सोने लगते मैनू। ओए हां बाबा, क्या हुआ? कहां जा रहा है? ये गली सेठ को खाना देने। यार मैं बहुत भूखा हूँ यार, मुझे भी तो खिलाओ। तुम सरदार है कस्टमर पे ले। सरदार भूखा मर रहा है और ये कस्टमर को खाना खिला रहा है, लेकिन समझदारी वाला सबूत दे रहा है, उनसे पैसे तो आएंगे। वेरी गुड, जबरदस्त। गोरी ते नखरी दे सोने लगी दे मैनू। हाँ बाबा, क्या है? मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। पहले कश्ती वाले को चाय मिलेगी, उसके बाद तुम सरदारे कस्टमर पे ले। गोरी दे नखरे सोने लगे। तो सरदार को टकेगा कर दिया है? अबे मैं सरदार हूँ, कैदी नहीं हूँ। क्या होगा बाबा? गोरी दे नखरे सोने लगे मेनू। और नीचे क्या है? चाय बस बहुत ही मन चले। बोलो बोलो बोलो। चाय लेके जा रहा? हाँ जी। तो सरदार को देना। नहीं, तुम सरदार है कस्टमर पहले। अबे सरदार को टकेगा कर दिया। अबे मैं सरदार हूँ नहीं, मैं लगता मैं कमानी सेठ हूँ, मुझे भी कैद कर लिया इन लोगों ने। क्या है? क्या खाया? बिस्किट खिलाया हमारे को कश्ती वाले ने। मेरे को भी खिला? तुम सरदार है बावर्ची पहले। मजेदार नहीं है यार। कितना अच्छा लग रहा है। कौन सा वाला सुना रहा है मुझे बता, पहले बता कौन सा वाला सुना रहा है। अबे यार मैं एक सुना रहा हूँ। एक हाथी था, वो तालाब में नहा रहा था। तालाब में नहा रहा था? अच्छा। एक चूहा आया और उसे देखा, बाहर निकल। निकल गया बाहर। हाथी मेरा क्यों आ निकलो भाई? क्यों निकलो भाई? बाहर निकल। हाथी बाहर निकला, चूहे ने देखा, चले ओए वापस चले जा। वो चला गया। हाथी मेरा भाई बाहर क्यों निकाला था? मैं ये देखना चाह रहा था तूने मेरा अंडरवेयर पहना या नहीं। मजा आया, मजा आया। ओ बच्चों की रेलगाड़ी, क्या हो रहा है ये? सीमा बिजली ने बुलाया। कहां जा रहे हो? सीमा बाजी ने बुलाया है तीनों को। जी, इसलिए हम उन्हें हंसाने जा रहे हैं। पागल के बच्चे, ये लतीफे की किताब नहीं, ये होम्योपैथी की किताब है। ये लतीफों की किताब में अगर नहीं है तो हम माचिस की डिब्बे से उन्हें लतीफे सुनाएंगे। लतीफे सुनाएगा? पहले सरदार को सुना। हाँ हाँ, एक सरदार था। एक सरदार, उसके 3 चेले थे। सरदार ने बोला मुझे कोई लतीफा सुनाओ। चेलो ने बोला सरदार तुम बाद में, पहले कस्टमर पहले। रेलगाड़ी कटी होगी, इसका इंजन पीछे रह गया। तो
सरदार की टके की इज्जत कर दी है यार। ओ बात सुने सरदार की बीवी। नहीं नहीं सरदार, तुम सरदार है? ये कहा है तुम्हारा मन चला? क्यों क्यों क्यों, क्या हुआ? बुला बावर्ची के बच्चे को। मैं हूँ ना बावर्ची। तू बावर्ची नहीं है, तू सरदार है, उसको बुला। ये इंसान का बच्चा नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बुलाओ इसको, मन चले को। अब हम एक मिनट भी नहीं रहेंगे, इसने भी तय कर लिया, अगर इसको रहना तो रहे, वरना ये अपनी बीवी को मेरे साथ भेज रहा है, हम लोग होटल में चले जाएंगे। बीवी को भेज रहा है? हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या? ये तुम्हारा जो तुम्हारा बावर्ची है ना, ये आदमी का बच्चा नहीं है, मेरे मुर्गी के सालन में। नहीं नहीं, मैं एक मिनट, देखो आप लोगों को जो शिकायत होगी ना वो टिंगुओं से होगी, मन चले ऐसा नहीं कर सकता। बुलाऊं टिंगुओं से काहे की शिकायत? एक मिनट, टिंगू की पहुंच जहां तक है वहां तक हरकत करेंगे ना, इससे आगे बढ़ेंगे तो मार नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, मन चले को बुला दो। बुला मन चले। इधर आओ। ऐसे आदमी होते हैं ना, फंक्शन में जाके बोलते हैं, अरे बाबा साजी आपको से कहा गई है, सारे मीज कटाओ। क्या शिकायत है इनको? इनसे पूछो। एक बात बता बे। हाँ, क्या हो गया? तुमने हरकत क्या की है? क्या की जनाब अली को? गलती हो गई मेरे से। अबे तुमने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। बिस्मिल्लाह बाबा, क्या बरकती हाथ है तुम्हारा कसम से। इधर गलती। एक मिनट, बात करने से पहले मार लियो। क्या बरकती चप्पल है? जद्दा से ली है बाबा। हाथ माशाल्लाह, तुम्हारा हाथ चूम रहा है, ऐसा लग रहा है मॉर्निंग शो में सांप चूम रहा है। एक ही है जवान की बच्ची डॉक्टर शाहिदा वाइदी, जिसने सांप का मुंह चूमा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई औरत ने, कोई होस्ट ने चूमा है सांप को? ना। मेरी बीवी ने मेरे को बोला सांप ले आओ, मैं चुम्मी लूंगी इसकी। मैंने कहा पागल हो गई है, तो डॉक्टर साहब है, खुद ही गोलियां खा के ठीक हो जाएगी। सही बात। अभी मैं तेरे को एक बात बता दूं, उसने अगर सांप चूमा है तो मैं भी ये सांप चूमूंगा। क्या मैंने नेवला चूम लिया यार? बारा बाबा, हमारे से गलती क्या हुई है ये बता दीजिए। तूने मेरे मुर्गी के सालन में नमक की जगह चीनी काय को डाली। गलती हो गई होंगी सर। हाँ, गलती हो गई। हो सकता मुर्गी को शुगर। मुर्गी को शुगर? हाँ। मुर्गी को काय की टेंशन, उसकी बच्चियां जवान हो रही है, उसके अंडे नहीं बिक रहे। नहीं नहीं, सही बात है, मुर्गी को शुगर है, कल उसका अंडा पकाया ना हमने, तिल पापड़ी बन गया। किस तरह की बातें करता है यार? हम इधर एक मिनट नहीं रुकेंगे, हमारे को तू किधर भी बाबा फिट के होटल में रुकवा दे। अभी सरदार, इसकी कौन लाली पाप छीन गया? नहीं सरदार, ये चिटिंग है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये इतनी देर से चप्पले मार रहा, मैं चपाटे मार रहा हूँ, मैं भी जूता मारूंगा। मार 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 मार। एक मिनट बाबा, हमारा पेट भरा हुआ है, सरदार से शुरू करो। शर्म कर। क्या हुआ? औरत जात पे जूता मारेगा? वो औरत जात नहीं है। अब मेरे को पता, कम जात है। कम बखत मारा, सरदार को मारेगा। मसाल दूंगी, नहीं मसाल दूंगा। कहाँ लगा दिया किसका? अल्लाह के नाम पे मुझे पैसे दे, अल्लाह के नाम पे मुझे पैसे दे, पैसे नहीं तो मुझे फोन दे, फोन नहीं तो मुझे डॉलर दे, दे 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 मुझे पैसे तू दे दे। अल्लाह के नाम पे मुझे पैसे दे, पैसे नहीं तो मुझे डॉलर दे, डॉलर नहीं तो मुझे फोन दे, दे 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 मुझे पैसे तू दे दे। भाई, ओ भाई, ए भाई, जरा देख के चलो, आगे नहीं पीछे भी, पीछे नहीं दाएं भी, ए भाई मेरी मदद कर दे। ओ भाई। हाँ। ओ भाई। हाँ जी। किधर देख रहा भाई यान? हेलो, क्या यहाँ बैठ के वेल्डिंग करोगे क्या? बात तो, अरे बात तो सुनो, तू बैठ जा। हो कौन भाई? हेलो। हाँ। अबे क्या आठने रख के भूल गया क्या? दे बाबा मुझे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। भाई तू है कौन? अल्लाह तुझे बहुत देगा, कभी ट्रक के नीचे, कभी बस के नीचे। दे भाई, दुआएं दे रहा, बद्दुआएं दे रहा भाई। कौन है तू? अभी मैंने भाई बाहर से आया। हाँ? मैंने बाहर एक बंदर का बच्चा नजर आया मुझे। हाँ? बंदर का बच्चा बाहर नजर आया। फिर अब क्या है? साथ खड़ा हुआ है। साथ। हो? कोई है?
कौन है ये? सरदार, हाँ? ये अंधा फकीर बाहर चैन लगा रहा था। तो तू कुर्सी दे देता? ये पुलिस का आदमी लगा है। बता रहा है या डरा रहा है? दफा हो जा, दफा हो जा। कमीज तेरी काली हो चाहे फूलों वाली हो, चाहे तू रहे वलैत, दे 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 पैसे मुझे तू दे दे। खामोश हो जा, चलते फिरते गीत वाला। कौन है तू? कौन है भाई तू? आप कौन है? हेलो, है ओ, कोई है? कहाँ मर गया? सारे के सारे क्या चीज छोड़े? शराबत नहीं है, दो चप्पल खा लेती तो तेरा क्या जाता है? इतनी शेर जैसी जवान औरत है, तू दो चप्पल नहीं खा सकती? मैं बहुत टेंशन में हूँ। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? इधर नहीं, वो देखो। ओ, तुम्हारा अब्बू भी है? नहीं ना, मामू है उसके। अबे अब्बू होंगे तेरे? मेरे अब्बू तो हो ही नहीं सकते। क्यों? वो तो मर गए। अम्मी तो जिंदा है। हाँ, तो पक्का फिर एक नहीं, दो दो भी हो सकते हैं। वो नीचे पूछ ले। ये है कौन? ये कौन? जिसने पूछना जल्दी पूछ लो, मैं फारिग हूँ। संभाल के। अबे ओ, धक्के ना दे यूं मुझे। हाँ, इसे धक्का ना दो, इसको उधार दो। हाँ, इसको धक्के नहीं दो, ये अंधा है, इसको वेगन ला के दो। ये कौन है भाई? ये अवाम है। अवाम की मुनी लग रही है हमें। बहुत अच्छे भाई, क्या लीडरों वाली तबीयत पाई है इसने। जब ही तो तुम्हारे पास आया डाकू साहब। कहाँ है मंचला? मंचला! हाँ मेरी जान, किधर चले? क्या हो गया घर? क्या बंद? से ये कपड़े उतार दो। क्यों? ऐसा लग रहा तुम कमेटी लेके भागी है। अरे अपना रंभू, एक मिनट, अभी ये अभी पता क्या बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरी अम्मी को टीबी है, मेरे अब्बा को फालिज पड़ गया, मेरी बहन के गुर्दे एक रह गया है, वो भी नहीं बिक रहा, मेरी प्लीज मदद कर दो। ये अभी बोलेगा मेरे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे तो तू बोल चुका। हाँ। ये क्या भाई? हाथ है। इतना मोटा हाथ? बटर के नीचे दे दिया था भाई। ये क्या है? ये कान है। इससे हमारी सदाएं नहीं सुनते, अजाने नहीं सुनते, लोगों की बुराई ही सुनते हो। वाह भाई यार। ये क्या है? ये नाक है। मैंने समझा फोन चार्जर पे लगाया हुआ है। ये क्या है? ये मुंह है। ये लेके जाएगा ऊपर? नहीं नहीं, इसका ले जाऊंगा मन चलेगा मुंह। तू तेरे को किसी ने मेरे पीछे पैसे देके छोड़ा है? ये है कौन यार? ले भाई, कश्ती वाले तेरी तरफ आ रहा है। क्या हुआ, कपड़े नहीं पहने क्या? हाँ। क्या हुआ? ये क्या है? टिंड। दो होते तो गर्मी बहुत है, टिंडे पका लेते। ये क्या है भाई? ये हाथ है। तो ऐसे ना रखो, ऐसे रखो, पूरी दुनिया से इमदाद मिलेगी और कर्जे भी उतर जाएंगे। मेरी जान, हमें कर्जे की जरूरत नहीं है, हमें इत्तेहाद और एके की जरूरत है। जिस दिन ये हाथ हमने एक साथ कर लिया ना इस तरह, फिर हमें कर्जे की जरूरत नहीं है, फिर लोग हमसे कर्जा लेंगे। इसने किस तरह से हाथ कर लिया? हाँ, चल 500 रुपए कर्जा दे। अरे भाई, ले भाई कश्ती में जा रही है। आप उधर हमारे मामा को माफ कर दियो। तेरी तरफ आ रहा मन चले। मैं माफ कर दूँ। ये क्या? बेचैन आत्मा। क्या है ये? है जी। क्या है ये? पहचान लो तुम्हारा। ये साइकिल की गद्दी यहाँ पर रख ली? गद्दी नहीं है। फिर? मथा है मथा। तो मेरे मथे ना रख। मेरी तरफ आ रहा है, इससे पहले मुझसे कुछ पूछे, मैं इसी से पूछ लेता हूँ। ये क्या? जेब। जेब है? अब तक भरी नहीं है, खाली कर। एक मिनट। अबे हमारा दिमाग खाली कर रहा, तू है कौन? फकीर। यहाँ क्या लंगर लूट ले आएगा? ये क्या है? बंदूक। ओ, गरीबों की गिजा। इसमें क्या गोलियां है? हाँ, इससे गोली चलती है। गोली चलती है? हाँ। तुम क्या समझते हो, इसमें से कमेटी निकलती है? ले भाई, फिर पहली कमेटी तेरी है। ये क्या है? कपड़ा, मुंह छुपाने के लिए। ऐसे काम करते क्यों हो जो मुंह छुपाने पड़े? ये क्या है? जूती। तो अब तक खाए क्यों नहीं? इसको सही में करता हूँ। ये क्या है? कपड़े। तो पहने क्यों है? उतार दका को।
आप अंदर क्या पूछ रही थी मेरे से? ये कौन है मंजले? आओ बैठो। बहुत अच्छा। नदीम ने तो समंदर में गाड़ी चलाई है, तुम खुशकी पे मोटरसाइकिल चला रहा है। भाई मुझे आवाज पसंद है, आरिफ भाई का गाना बड़ा अच्छा गाते हैं आरिफ लोहार जी। पता नहीं कौन है, वैसे फकीर आदमी है हमारा, खामखा आली बन गया है। हाँ जी, कौन है तेरे साथ? है जी। कौन है? लड़की है। लड़की है? हाँ। क्या कर रहा? बात कर रहा है। मेरी भी कर ली हो। बहुत अच्छे, तुम हमारे को नया नया धंधा बताओ। चुप चाप बैठा रहे हो? बैठा बाबू। हाँ जी, आप बोलो, क्या बोल रही थी आप? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बात सुन, गुब्बारा बना रहा हूँ। तुम वाला बांध लेगा या बगैर तुम वाला? हमारे को तुम वाला भी नहीं चाहिए, बगैर तुम वाला भी नहीं चाहिए। दबाओ जा इधर से। इतनी नफरत अपनी तस्वीर से? क्या कर रहा है? जहाज चला रही हो? देख ले रहा, मानता हूँ फकीर है, अंधा है। अंधा नहीं हूँ मैं, फिर नजर नहीं आता मुझे। अच्छा सुनिए हाफिज जी। हाफिज जी, हाफिज का हलवा बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, तुम यहाँ पे सबक लेने आई हो? तमीज नहीं है तुम्हें? तमीज से नाम लो शराफत से। शराफत के कौन कौन से अल्फाज होते हैं भाई? कौन? जानू। बहुत अच्छे। चुम्मी जी। बहुत अच्छे। प्यारे। बहुत अच्छे। इसमें देखिए बरकत रहती है। चल दफा दूर, शक्ल देखिए अपनी। दफा नजीक। तुम्हारी शक्ल का तो मैं बोल नहीं सकता, नजर ही नहीं आती, और हमारे शक्लों से क्या काम? अरे चुप हो जाओ, अल्लाह माफ करे, कद छोटा है, मोटर बड़ी वाली लगी हुई है। चुप करो। आप बोलिए, आप क्या कह रही थी अंदर? तुम्हारे सरदार कहाँ है? क्यों, सरदार से क्या काम है? आज मेरी मम्मी सरदार की बताई हुई जगह पर रकम लेकर आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, पूरे पैसे लेके आ रही है? कहाँ लेके आ रही है? अरे तुम बैठ जाओ, तुम्हारे को पता नहीं है ये कौन सी जगह पर है तुम इस वक्त? कौन सी जगह है ये? ये डाकुओं का अड्डा है। अड्डा है? अड्डा है। अड्डा है? हाँ। अच्छा हाँ। समझ गया समझ गया। इसकी हंसी में तंज है, तुमने जो हंसी की है ना उसमें तंज है तुम्हारे। दफा हो जाओ। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। जैसे ही सरदार तुम्हें हमारी रिहाई की खबर दे, मुझे इत्तला कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जाइए प्लीज। क्या बातें कर रहे थे उस लड़की से? किससे? उस लड़की से। उस लड़की से? ऐसे भी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे? हाँ, क्या सुनो, ये वही लड़की है या कि दूसरी लड़की है? दूसरी है। कौन सी जगह है ये? अड्डा है। क्या मतलब है इसकी हंसी का? ये इसकी हंसी में कुछ बात है, हम बताना नहीं चाह रहे वरना सेंसर हो जाएंगे। ये है कौन? एक मिनट। क्या कर रहा है? दो सर वाला बांदर। अरे दफा हो जाओ। क्यों, पसंद नहीं है? पसंद नहीं, एक बात बताओ। जी बोलिए। तुम फकीर है? हाँ। हम तुम्हारे से एक सवाल करें उसका जवाब देंगा? हाँ पूछिए। ये बताओ कि दुनिया में कितनी किस्म के फकीर होते हैं? भाई दुनिया में तीन किस्म के। कौन कौन से? अनवर रटोल है। क्या बात? नहीं मेरा मतलब है कि तीन किस्म के फकीर है। कौन से? एक वो फकीर जो बाहर खड़ा होकर रोड पे अपने पेट भरने के लिए भीख मांगता है। बरोबर। दूसरा फकीर वो जो कोट पैंट पहन के तालीम हासिल करके अमेरिका जाके भीख मांगता है। वेरी गुड। तीसरा फकीर और सच्चा फकीर वो जो मस्जिद के अंदर बैठ के अपनी पूरी कौम की भलाई के लिए भीख मांगता है। वाह वाह वाह, खुदा की मेरे को लग रहा है तुम जलसे में गोली खाएगा। भाई अब ये कूलर मेरा हुआ? कौन सा कूलर तुम्हारा हुआ? एक बात सुन ले उधर। जी, जी आप भी सुन लो। तुम मेरी बात सुनो, मुझे अभी तक बात याद है। अच्छा, तुम उस लड़की से क्या बातें कर रहे थे? अरे हम उससे कोई किस्म कोई गलत बात नहीं कर रहा था। बस रहने दो, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। सारे ऐसे नहीं होते, कुछ अंधे भी होते हैं। इसको क्या हमने अंधा किया है? तुम अरे बैठ जाओ, अल्लाह उधर बैठ जाओ। अच्छा सही है, पता नहीं काले चश्मे पहन लिए, तुम क्या नेवले वेल्डिंग करता है? अच्छा बात सुन, इधर खामोश होके वहां बैठ जाओ। चलो कहां? वहां। चलो ठीक है। अरे ये मेरे रोब में नहीं आ रहा। छोड़ो इसको, दफा करो, और हम लड़की से कोई बात नहीं कर रहे। मुझे रोब में लाने की जरूरत नहीं, कह रही हूं मैं। तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? फकीर हूं मैं। तो बदवा दे दोगे? बदवा बदवा नहीं दूंगा, तो कुछ मांग लूंगा। बहुत अच्छे, क्या मांग लेगा? वो तो मेरे मूड पे है। बहुत अच्छे, मतलब 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए। बहुत अच्छे, लेकिन हम तो कुछ देना ही नहीं, इसलिए कि हमारे पास 100 का नोट बंधा है। तो खुला करा ले, कब करवाएगा? जब नोट फट जाएगा। तुम बैठ जाओ यार, खुदा को मानो। और एक बात सुन लो। हाँ, सुन। हाँ। कौन सी जगह है? अड्डा है। ठीक है, बैठो। ये क्यों हंसता है बार बार? ये तुम नहीं समझ रही है, पता है ये अभी
एक तो चल दबा करो। हाँ बताओ क्या? हम उस लड़की से कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रहा था। सच? हाँ, वो लड़की पता है हमारे को क्या बोल रही थी? क्या बोल रही है? मेरी मम्मी जो है नी सरदार की बतावी जगह पे रकम लेकर आ रही है। अच्छा? हाँ, इसलिए हम खुश भी हो रहा था और तुम भी खुश हो जाओ। मैं क्यों खुश हूँ? इसलिए कि आज सरदार की सालगिरह है यहाँ पे। ये लो, सरदार की जिंदगी का एक साल और खत्म हुआ। क्या बात कर रहे हो? बेकरी से एक केक खत्म हुआ। अरे यार तुम चुप हो जाओ। कितने गुब्बारे फुलाऊ है जी? कितने गुब्बारे फुलाऊ? 1 करोड़ फुला दो। बड़ी नस्ल बनाना चाह रहा है तू अपनी? नस्ल क्या मतलब? भाई बंदर बनाता हूँ ना मैं। ओफो, अच्छा तुम एक काम करो, मैं जाके अंदर तैयारी करती हूँ। जितने लोग हैं सबको बता दो सरदार की सालगिरह है। तुम जल्दी आ जाना। अगर ये ना आए तो? तो दूसरा ऑप्शन। शट अप। दूसरा ऑप्शन? इधर आ जाओ। तुम क्या करोड़पति खेल रहा है? क्या हो गया? एक बात सुनो जी, तुम इतना बड़ा जवान है, तुम्हारी जितनी उम्र के लड़के कॉलेज जाते हैं। कॉलेज भी गया था मैं, फिर वो भी भीख नहीं दे रहे। बहुत अच्छे पापा, चलो यार। बात सुनो, कोई परेशानी वरेशानी हो ना मुझे बताना। तुम क्या करेगा? मैं पढ़ाई का काम भी करता हूँ। क्या बात कर, तो बाबा भी हो? जी जी। अरे बाबा कसम से, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? हमारी कजन है नहीं? हाँ। उसके घर पे बच्चा नहीं होता है? बच्चा नहीं होता हमारी कजन के घर पे। आओ मेरे साथ। क्या बात? आओ मेरे साथ क्या मतलब? भाई मैं दम करूंगा, कोई तावीज वावीज दूंगा। तावीज दो। तावीज? हाँ ये लो। लाओ। कंप्यूटर की लिखाई है, पढ़ाई में नहीं आएगी। क्या करना क्या है इसको? इसे खिलाना। ठीक है, कल 5 बजे तक बच्चा आ जाएगा। और अगर बच्चा नहीं आया फिर? तो मैं हूँ ना भाई। और तावीज दे दो। क्या हो गया? चलो 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 चलो। मेरा बंदर नाचे बाबू नाचे रे नाचे रे। बंदर बेटा। हाँ उस्ताद। सबको सलाम करो। जंग छिड़ गई तो क्या करोगे? फायरिंग करूंगा। और सांस का कर जाता है आदमी तो किस तरह जाता है? सलाम करता। अस्सलाम वालेकुम। सेठ को सलाम करो। सेठ सलाम वालेकुम। सेठ से पैसा लो। सेठ पैसे दो। अबे क्या पैसे दो? अच्छा पैसे देने। जल्दी जल्दी सेठ, डायरेक्ट नहीं करो। ये लो 100 रुपए। तेरी पैदा करा दी ना। हाँ हो गई। 50 तेरे 50 मेरे। चलो ठीक है। ए नहीं बात नहीं, पैदा हो गई भाई। चल इधर ही खड़ा रहे इंसान का बच्चा। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? ये हमने नहीं किया, हमको सरदार ने बोला था। क्या बोला था? पकड़। सरदार ने बोला था कि इसको जंजीर बांध के रखो, ये भागे नहीं। हाँ? समझे? और हमको इलाका घूमना था ये सारा। अरे भाई मेरे साथ 2 टके का फायदा नहीं है, फिर मेरे को क्यों बांधा हुआ तुमने? भाई जान तूने ये पूरा जंगल तो देखा हुआ है ना? हाँ, देखा हुआ। रास्ता भूल जाते। हाँ? हमारी तो जबान हुई हुई है सरदार से। अच्छा? 5 लाख रुपए देना है। अगर हम गुम होकर अपने घर पहुंच जाते तो हमारी तो जबान खराब हो जाती ना। हाँ ये तो ईमानदार। तेरे को लेके गए थे जंगल में वापिस। ऐसा जाहिल का बच्चा है। अरे ऐसा जाहिल है ये? एक बात बताओ भाई। हाँ बोलो। तुम हमें अमरूद के बागीचे में क्यों नहीं लेके गए? अमरूद के बागीचे में? हाँ? भाई मेरे को तो बांधा हुआ था ना तुमने, मैं कैसे लेके जाता तुम्हें? तेरे को तरक से बांधा तो यूं क्यों करता था? अरे वो मच्छर घुस रहे थे ना अंदर। मच्छर किधर थे? मकोड़े थे। वही भटके मार रहे थे। भटके भटके मार रहे थे। तेरे को ऐसा चाहिए आदमी है? उधर मजार बना हुआ, एक बाबा का मजार। हाँ? मजार के पास गए ना, उधर उधर बाबा की मोमबत्ती जल रही थी। उसको देख रहे, ए बाबा ये मोमबत्ती जल रही है क्या, तुम्हारी लाइट कट गई है? ऐसा चाहिए आदमी। इतना मजार पे इतना सारा नमक पड़ा हुआ था, तो तेरा शाबाश है बाबा, सारे किनू खा गए, हमारे लिए नमक रखा। इतना जाहिल है, मजार पे लड्डू पड़े हुए थे तो क्या बोला? बाबा अकेले अकेले मंगनी कर ली, हमको बुलाए भी नहीं। अब चप्पल उतार के जा रहे तो बोले क्या बाबा का कालीन खराब होएगा? ऐसा जाहिल आदमी है। क्या इसने क्या किया पता है? क्या वहाँ पे लंगर बट रहा था? हो बोले भाई बर्तन लेके अपने अपने लंगर लो। तू तो नेक आदमी है, ठीक आदमी है, तू क्या ले गया था? बेरी के पत्ते। तो तेरे को 2 दाने डाल दिया चावल के। बोले भाई जा तेरा पेट भर गया। मैं सियाणा, मैं पीपल का पत्ता ले गया, मेरे को 2 नी वाले चावल मिले। इसने क्या हरकत की? क्या केले के पत्ते ले गया। केले का पत्ता ले गया। उसने सारी देख तेरे को दे दे भी हम लोग। जली 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 तपी। चल बैठ जा वहां पे। चल चल तेरा बंदर नाचे बाबू नाचे रे नाचे। तेरा बंदर इधर आ जाओ। इधर एक वाक्य सुनाओ। सुना। मैंने अभी 2 लाख के 2 कुत्ते लिए थे। नहीं यार। फिर मैंने 200 में बेच दिए। वो क्यों? बराबर में बैठने लगे थे यार। और ऐसे अच्छे कुत्ते थे, मेमनी भी समझते थे। नहीं नहीं भाई भी ना। हाँ यार कितने फॉरवर्ड कुत्ते थे। आए सरदार आए। अल्लाह ये चप्पलें आई हैं देख। अरे जी बाबा चने का नैना ते टूल का कुमार, कद आएगा मेरा प्यार। कौन हो तुम? मैं हूँ गुना।
मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी है मस्त सुस्त, तू चीज बड़ी है सुस्त, नहीं तुझ में कोई जोश जोश चलती है, तू पापोश पोछ नहीं तेरा कोई जोश जोश, हर वक्त तू मत होश, चीज बड़ी है मस्त। हाँ कहाँ से आ रही हो? मैं हाँ कांटो पे चलती हुई आई तेरे गाँव रे, देख बलम तेरी कसम चल पड़े पाँव में। कहाँ से बाहर से आ रही है? हाँ बाहर का मौसम कैसा है? होले होले से हवा चलती है, होले होले से हवा लगती है। हाँ चिंगिस किंग चिंगिस किंग चिंगिस किंग चिंगिस किंग। कमक मारो मैं बर्बाद हो गई। तू क्या अफगानिस्तान है? मैं तबाह हो गई। तू क्या इराक है? मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। कितने आदमी थे? गब्बर सिंह फिल्म में ये बोलता है, क्या जुल्म हुआ तेरे साथ? मैं क्या बताऊं भाई, सही चैनल पकड़ा इसने। मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी, क्या मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ? क्या ये बराबर वाले अड्डे वाले नहीं है? हाँ। सारी रात मेरे को नचाया, सुबह मैंने कुछ लगाओ। हाँ। कमबख मारो सिगरेट लगा दी। सिगरेट लगा दी यार बेचारे। हाँ और क्या बताऊं, सारी रात नाचती रही, सुबह जाते मेरे का पैसे दो अंडे डबल रोटी पकड़ा दिए। बताओ हमें यहाँ अगवा करके लिया है। अरे यार इसको भी अगवा कर लिया, सरदार को क्या मिलेगा यार? अबे कुछ मिलेगा तो भी तो अगवा किया है। हाँ। मैं समझ गया क्या मिलेगा। क्या? एक ढोल की दो घुंघरू की जोड़ी। तेरे घर का सामान दे रहा है क्या? हाँ। पहचान गया ये तेरे को। हाँ। पान मंडी में घर है ना तेरा? हाँ। मैंने देखा अक्सर आवाज आती रहती है ऊपर से, छोटे पान ले आई मैं माना होने आए मैं। अरे मैंने भी तुझे वहां देखा है। हाँ मैं क्या करता था? तू हार नहीं बेचता? हाँ। के लिए हार बेचता हूँ? मुझे नहीं देखा वो पैसे लुटाते हुए। नहीं पैसे उठाते हुए। ये कौन है पहाड़ी बकरा? ये बकरा ऐसे ही है, तू है कौन कैसे आई है? मेरे को अगवा कर लिया। अच्छा इधर सरदार। हाँ हम जा रहे थे फंक्शन में, अगवा करके यहाँ लिया है कमबख मारे। किसका फंक्शन था? फंक्शन मीरपुर माथुरो में था। क्या सईद इस्लाम का था? किसका था? अरे मेरे को क्या पता, मुझे तो बुलाया था बराबर सरदार ने। अच्छा उठा के यहाँ लिया है। ओए 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 ये तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा हमारे, देखना कुछ तुम्हारे यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। हम खुसरो के भी बच्चा हुआ था, चूम चूम के मार दिया। तो तुम लोगों को प्यार आया हो, तुम लोग चूमने की जगह तुम लोगों ने बटके भरे होंगे तो मर गया होगा वो। भाई एक बात बताओ भाई। हाँ। ये तुम्हारी शादी तो होती नहीं है। हाँ। फिर तुम्हारी आबादी में इजाफा क्यों होता है? ये बात बता। हाँ। कि खुशे हर बात पे क्या करते हैं? ये ले ले एक और बढ़ गया। बात तो इसने सही की है, एक तो तुम्हारे को मरते हुए नहीं देगा, तुम लोग को दफनाते कब है? इसके अब्बा को कब दफनाया था? रात के 12 बजे। उसके बाद हमें दफनाते हैं। सरदार किधर है तुम्हारा? अरे हमारे को क्या पता, हमारे पास रखवा के गई थी। तो तुम लोग कौन हो? हम लोग खुद कैदी हैं। तुम लोग भी कैदी हो? हमने भी अगवा किया। मुझे भी अगवा कर लिया। हाँ। सबको यूं अगवा कर रहे थे। हाँ। मुझे यूं अगवा किया। एक दफा और करो ना, तेरे को तो मजे आ रहे। चल आ जाए। कहाँ है सरदार? आ जाएगा इधर बैठ जा। कहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जा आग पे बैठ जा। चल क्या बैठ जाओ बराबर में। चलो यानी बैठियो। फिर उधर बैठ। उधर कहाँ बैठूं? उधर मुड़े पे बैठ। मुड़े पे? मुड़े पे? हाँ नहीं बैठी वो मुड़ा हुआ। एक बात है देख, तेरे से भी ताकतवर हिरन है हिरन। वो दीवार में पूरी पहाड़ की दीवार को खींच के जा रहा है। आ जल्दी सरदार को बुला, अभी हमने कहीं और भी अगवा होना है। खुदा की हमें अगवा करके यहाँ लिया है। हाँ। मिस कॉल मारते मैं खुद आ जाती। मैं तो सही रही है। लेकिन तुम्हारा नंबर नहीं पता ना, क्योंकि तुम लोग की बैटरी फुल होती भी नहीं है। चुप करके बैठ जा। बैठ आई हूँ। ये कौन है गार में क्या वेल्डिंग करता है? अभी पता चलेगा तेरे को जब तेरे नाक मुंह कान पकड़ के पूछेगा ना ये क्या है ये क्या है। इधर आ जा बाबा, इधर बैठ जा। बाबा बोल रही है उसको पता नहीं है, ताबीज भी देगा तेरे को। अपना चश्मे आ ले भाई। मेहरबानी माँ जी। माँ जी नहीं हूँ मैं, हाँ जी हूँ। फिर चश्मे आ ले भाई। जी ताबूत ठोक लेते हो? क्यों ये बराबर में बैठा है इसको ठोकना है। जान का बच्चा बन, मेरे हाथ से कोई बच्चा मर जाएगा लगता है आज। जल्दी सरदार को बुलाओ, बताया कहाँ है। सांभा सांभा किधर पड़ गया सांभा। ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बुलाई है। अरे फौज नहीं है, अकेला।
रहा है वो। अरे तेरी वजह से भी बोल रहा है, तेरे को भी साथ लिया। आओ सड़क की महारानी। मैं सड़क की महारानी नहीं हूँ, मैं तो फुटपाथ की लैला हूँ। और मैं फटाफट हेला हूँ। कहो क्यों आई या आया हो? आए कल ऐसी बातें नहीं कर, चल जाके सरदार को भेज। अबे इसे भी यकीन नहीं आ रहा मैं सरदार हूँ। अबे मैं सरदार ही हूँ यार। चल ना। हाँ तू तो बिल्कुल हमारे गुरु जैसा है। हाँ। लो भाई गुरु और चेले मिल गए। हाँ। गुरु और चेले मिल गए, औलाद कितनी खुश हो रही है। औलाद के साथ साथ ससुर भी खुश है। बोलो। खबरदार जो हम पर इल्जाम लगवाया। दोबारा ले ले भाई। नहीं यार अब शेर जाके लेंगे। ओए थोड़ा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, ये अंधा है कभी भी अंधी मार सकता है, आगे हो जाओ। अंधा है। कहो कैसे आना हुआ? आदाब अर्ज़े। जिले इलाही। जिले इलाही नहीं है ये, अजाबे इलाही। हाँ कोई अजाबे इलाही। बोलो मेरी रसमलाई। हुजूर हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हैं? जुल्म हुआ है? हाँ। बताओ हमें बताओ, हम अतन गोश हैं। बल्कि बड़े का गोश थे। बड़े का नहीं है, कुर्बानी का गोश थे। अबे यार ये क्या कसाईयों वाली दुकान खोली हुई है यार। ऐसी बातें नहीं करो, 5 लाख रुपए दे रहे हैं तेरे पे मजाक भी नहीं करेंगे। तुम दोनों तो बोलो, तुम दोनों बोलो। फिर यूं नहीं करा मैं। तुम दोनों को तो इजाजत है। और मैं तेरे से तो 2 रुपए का भी फायदा, तेरे से तो 2 रुपए का भी फायदा नहीं है। हम नहीं खेलने भाई, क्या खेल रहा? बैठ जा। खेलेगा कैसे? नहीं बैठ बैठ। सरदार इसका मुंह देखो बकरे जैसा। सरदार हाँ? तुमने इसको मारा। हाँ? मेरा दिल चाह रहा तुमको मारने का। बैठ जा आराम से। 4 लाख दे रहा हूँ। हाँ, मार सकता हूँ। 4 लाख की पिटाई है? अरे छोड़ो भाई तुम्हें, जरा सीधा खड़ा हो जा, आगे बोल। हाय 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 दिल भर के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, नजर वैसे कनी भाई। खबरदार। क्या हुआ? मैं शरीफ आदमी हूँ। मैं तो नहीं हूँ। सरदार तेरी गोद भर गई थी वैसे, ये बताओ क्यों आया है? तू अकेला है? अकेला नहीं हूँ सरदार। हाँ? हम फंक्शन करने जा रहे थे। हाँ? ये तुम्हारे छोटे छोटे डाकू नहीं है। हाँ? हमें अगवा करके लिया है। हाँ? और हमारे साथ हमारी उमराव जान अदा भी थी। कौन? आर्टिस्ट लोग हैं, गोट की जा रहे सईद इस्लाम का फंक्शन करने के लिए। फिर तो पेमेंट भी नहीं मिलेगी। कौन आया है तुम्हारे साथ? उमराव जान अदा। उमराव जान अदा आई है, वाह वाह वाह। कहाँ है? बहन को ले आया अपने बहनों के यहाँ से। हम लोग बातें करते करते कितनी दूर निकल आए। पर ये कौन सी जगह है बताए भी तो। ये है हाला और इधर खड़ी तेरी खाला। और इधर देख चेक पोस्ट। क्या कर रहा है? हम डर जाता है। फुला रहा हूँ खाली। फुला रहा है कौन है रे? ये उमराव जाने अदा। उमराव जाने अदा। क्या कर रही है? क्या कर रही है बताता रे। अभी सरदार ने स्टार्ट लिया है, एक एक पल की खबर दे। अच्छा रे उमराव जाना था। हाँ जी। गुड़ खा के मर जाओ। क्या कर रही? वही भैंसों वाली हरकतें कर रहा है। ये कौन है? है? ये कौन है? पता नहीं ऐसे खामखा हमारा आली बना हुआ है। सरदार मैं भी यकीन नहीं आ रहा यार, मैं सरदार हूँ ना। मैं सरदार हूँ। सरदार है गोबर सिंह। गोबर सिंह कौन है? आदाब बजा लाती हूँ सरदार। आदाब बजा लाती हूँ। ये बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है? अभी उमराव जान अदा ने कुछ बजाया है, हमारे को पता नहीं है। क्या हुआ है अब बताओ? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पर मुझे पता चला है कि मैं अगवा हो गई हूँ। किस कुत्ते ने तुमको अगवा किया है? क्या हो रहा है? यही था आवाज से, यही है बिल्कुल। इन्होंने अगवा किया है, इन्होंने। क्यों मैं इधर आई? क्या हो गया? इधर क्या हो गया? तू अगवा किया? सरदार तुम क्या समझ? हम यहाँ पे तिल के लड्डू बेच रहे।
अच्छी बात है। उमराव नहीं है, उमरा ये है, उमराव जाने आता हम है नहीं, हम फंस रहे, दफा करो। बोल क्या था? याद आया, हाँ उमराव जाना था। क्या कहा था तुमने? फिर से सलाम करो। जी मैंने कहा आदाब बजा लाती हूँ सरदार। जीती रहो बेटी। पहली दफा तेरे मुंह से इतना अच्छा लगा है बेटी, मैं तो कहता बेटी बना ले यार, छोड़। तुम दोनों तो कहो, तुम तो हमारे कस्टमर हो, तुम दोनों कह सकते हो। कौन है ये? कौन है ये? उमराव जाना था। और ये देखो कपूर का गधा। आज सरदार बहुत खुश है, आज सरदार बहुत खुश है। क्या कोई बहन में रुखसत हो रही है तुम्हारी? हाँ तेरी। आज सरदार की सालगिरह है, आज इन तीनों के घर से नहीं, नहीं तेरे से तो 2 रुपए का भी फायदा है। सच्ची में लग रही है मैं? तेरे से तो 2 रुपए का भी फायदा नहीं है। समझाई वैसे एक बात है सरदार, उसके गले में जंजीर बंधी हुई, ऐसा लग रहा है खूटे के साथ बुढ़ा बकरा बंधा हुआ है। इन दोनों के घर से आज पैसे आने वाले हैं। हाँ। आज सरदार की सालगिरह भी है, आज उमराव जान अदा भी है, सबको बुलाओ, कहाँ है रे हमारा साथी? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाबा, आ जाओ, आ जाओ सरदार। हाँ। सालगिरह मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो। आ जाओ सारे, आ गए, आज मैं बहुत खुश हूँ। आ जाओ बाबा, सब मिलके सरदार को जूते मारो। आज सरदार की सालगिरह है, आज उमराव जानदा भी है, तो उमराव जानदा सरदार को खुश करो। नाचेगी ये? और क्या कह रहा हूँ, अभी ये नहीं नाचेगी, थकी हुई है, जब तक मैं नाचूं। रहने दे, उससे ज्यादा तू थकी हुई है। चलो नाचो। अरे खुशरी तो देखो, 2 गुब्बारे एक साथ फोड़ो ना, एक फ्री मिलती है। खामोश। अच्छा भैया चलो नाचो ना। मैं थोड़ी नाचूंगी, मैं खड़ी हूँ, आप क्यों चीख चीख के बोल रहे हैं? आदत है, इसी चीज के पैसे मिलते हैं। आ जाओ चलो उमरा, चलो जब
टायर ही पंचर हो गई। बहन बहन यहाँ आ जाओ बहन। खामोश। मजा आ गया उमराव जाने था, बहुत मजा आया। एक मिनट, टेलीफोन आया है। किसका पता नहीं। सुनो, मेरे पास बैलेंस नहीं। फोन आया है, कर थोड़ी रहा है। अच्छा सरदार, अगर जिगर का फोन है तो दो मीठे पान में मंगा लियो। आराम वो थी। हेलो हेलो, सरदार बोल रहा हूँ, गोबर सिंह। मालूम है, बदबू बता रही है। कान खोल के सुन लो, तुम्हारे अड्डे को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। तू झूठ बोल रहा है, तू पुलिस वाला है नहीं। अगर तू पुलिस वाला है तो सामने आ जा। मैं सामने भी आ जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखो, ये जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ खुसरा है, खुसरा नहीं है। इसने तो यही बताया, नहीं खुसरा थोड़ी उमराव जाना था। अच्छा ये खुसरा, ये खुसरा पुलिस वाला है, और ये उमराव जाना था भी पुलिस वाली है। अगर तू पुलिस वाला है तो सामने क्यों नहीं आता? आ जा आ जा। हेलो, बंद कर दे, दोनों पागल लग रहे। यू आर अंडर अरेस्ट। ये तो अंधा है। जैकेट। कानून कभी अंधा नहीं होता मेरे दोस्त। जमार खान। यस सर। रिश्ता सर नस्वा रिश्ते रिश्ते। मेरा मतलब है गिरफ्तार कर लो इनको। ओके सर। चलो अच्छा, अड्डे का ख्याल रखना। सरदार, इन्हें किस पे बिठाऊं? मोबाइल पे बिठाओ इसे। मैं मोबाइल में नहीं बैठूंगा इंस्पेक्टर साहब। क्यों? खराब हो जाएगी, फिर बोलोगे धक्का मारो। इंस्पेक्टर साहब, मोबाइल के अंदर टिश्यू का डब्बा तो है ना? वो किस लिए? गर्मी बहुत है, साफ बाफ करना। अच्छा सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप भी अरेस्ट है, लेडी पुलिस साहब का इंतजार कर रही है। बड़े अच्छे टाइम पे आया यार, जवान क्या बचा तू तो यार। मुझे लगता है आप सुधर गए। बस यार, मैं तो कहता हूँ कि कभी भी किसी जवान लड़की के चक्कर में अपनी बीवी को धोखा नहीं देना। मेरे बाप की तौबा जो आइंदा मैं ये काम करूँ। चलो शुक्र है तुमने तौबा कर ली, लेकिन ये मेरे बाप की थी, मेरी अभी बाकी है। ए भाई सर, ये सुधर गया, मुझे भी इससे आजाद करवा दो। सर हमारे लिए क्या हुक्म है? आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। इसका मतलब दोबारा लॉकअप? लॉकअप जरूरी है। देखिए, जब तक कानून है तो जराइम खत्म होता रहेगा। आप कानून का साथ दें, इसी में आप लोगों की भलाई है। ये हमेशा ये होता है कि आप लोग अपने दिलों में राज रख लेते हो और कानून का साथ नहीं देते। सर हमारा हनीमून लेट हो रहा है सर। तो 5 मिनट बात कर लियो, मर जाता है क्या? ऐसा अजीब पागल आदमी है। कानून का फर्ज मदद हमारी। जी जी। तो मेरे दो पजामे धो देना ना यार, मैं एक बात करना है। प्लीज। तो पख्तून है? पख्तून है। मोबाइल सर। अल्लाह जी कसम, मेहमान है। सर उर्दू में बोल रहे हैं, सबको समझ आ जाएगी। चले मेहमान हूँ। मेहमान मेहमान है आप? मेहमान है, चाहे पठान है या माजिर है या पंजाबी, हम सब हैं तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जब भी रह सकता है जब कानून मजबूत रहे। सही बात बोली है आज एक पुलिस ऑफिसर ने जिंदगी में पहली दफा। मैं तो कहता हूँ जब तक हम सब जिंदा है तो पाकिस्तान जिंदा है। एक नारा लगा दो दिल लगा के, पाकिस्तान जिंदाबाद। हा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